कहते हैं कि भावों को ना शब्द में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो गुरु महाराज हैं उनकी जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो एक सागर की तरह होती हैं, जिनमें से हम कहते हैं ना मोती जब हम चुनने के लिए जाते हैं हमें मोती मिलते नहीं है, तो इसी तरीके से उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो सागर के समान है। तो मैं कोशिश करूंगी कुछ चुनिंदा मोती जो अपने शब्दों में पिरो पाऊंगी अपने गुरु जी की मेहर से, उन्हें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, गुरु जी की आज का जो वचन है वो गुरु महाराज जी ने बहुत प्यारा मुझे वचन दिया है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक आगे भी मेरी लाइफ में ये सत्संग हुआ हुआ है और शायद उन्हीं की आज्ञा से मुझे ये वचन जो है ये सेवा मिली है। संगत जी, मैं माफी चाहूंगी गुरु जी से और आपसे, क्योंकि मैं एक बहुत छोटी और नई संगत हूँ। अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाती है तो प्लीज मुझे कृपा करके क्षमा करिएगा। आज का वचन है मांगो नहीं मनो। अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरी जहां तक गुरु जी समझ देते हैं उससे मैं सिर्फ ये समझ पाई हूं कि जो गुरु महाराज हैं ही कैन सी यू नो बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, जहां तक हमारी दृष्टि भी नहीं जा सकती, जहां तक हमारी सोच भी नहीं जा सकती। इसलिए कहा जाता है कि हमें मांगना नहीं चाहिए। मुझे एक छोटा सा सत्संग गुरु महाराज जी ने जो सुनाया था, विच वॉज अबाउट यू नो उनके टीचर का सत्संग था, जब उनकी टीचर जो है वो उनके वाइफ जो है वो हमेशा गुरु जी को बोलती थी कि गुरु जी मुझको ना बेटा दे दो, मुझे बेटा दे दो। और गुरु जी हमेशा कहते थे कि की करेगी तू बेटा लेके, मैं तेरे को लूंगा तो सही। फिर भी वो मानती नहीं थी और वो बार बार बेटे की जिद करती थी। तो एक दिन गुरु जी ने अपने टीचर को बोला और उनको वो ब्लेसिंग्स दे दी। तो उन्होंने गुरु महाराज जी ने अपने टीचर को बोला कि मैं तुमको एक चीज बताने जा रहा हूँ, लेकिन आप वादा करो जो ये चीज है वो मेरे और आपके दरमियान में रहेगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है गुरु जी, आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। तो उन्होंने वो चीज बताई थी कि मैं बेटा तो दे रहा हूं ब्लेसिंग में, लेकिन इनकी जो एज है वो 11 to 12 years तक की होगी। सॉरी संगत जी, मैं मे बी यू नो थोड़ा सा एज में गड़बड़ हो सकती है, बट गुरु जी ने उनको बताया था कि लेकिन वो इस सत्संग में इस शब्द के दौरान उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन तू ये बात अपनी वाइफ को कभी शेयर नहीं करेगा, और अगर तू शेयर करेगा तो तेरा और मेरा नाता वहां पे टूट जाएगा। एंड एज गुरु जी हमारे महाशिव हैं, परम पिता परमात्मा हैं, वो तो हमारी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। उसी तरीके से उनकी उन्होंने आंटी की इच्छा पूर्ण की, लेकिन उन्होंने एक समय में आके अपने पुत्र को गवा दिया। सो विच वॉज रियली सैड, बट अगेन गुरु जी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। तो गुरु जी कहते थे ना कि जैसे जब मुझे लगता है कि जब हम मांगते हैं विच इज टेम्पररी, बट जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स वो देते हैं दैट इज परमानेंट। जिस तरीके से अगर हम किसी से कोई चीज मांग कर लेते हैं और हमें उसको वापस देनी होती है, लेकिन अगर वो हमें गिफ्ट के रूप में हमें दे देते हैं तो वो परमानेंट होती है। तो मेरे महाराज, हम आगे भी मेरी लाइफ में ऐसे ही हुआ, कुछ चीजें मैंने मांगी जो कि गलत डायरेक्शंस में जा रही थी, एंड अगेन विद गुरु जी इट्स लाइक अ नॉट अ कहते हैं ना कि इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स ऑल हिज प्लानिंग। और गुरु जी जो भी देते हैं वो हमें परमानेंट देते हैं, खूब खूब ब्लेसिंग्स देते हैं। तो संगत जी, यहाँ तक मैं मांगो नहीं मन्नो का आपसे शेयर कर रही हूँ, एंड सॉरी अगर कोई गलती हुई हो। आज गुरु महाराज जी ने बड़ा अच्छा शब्द सुनाया, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक तू है मेरा भ्राता। शायद क्योंकि गुरु जी अच्छे से जानते हैं कि ये शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखता है। संगत जी, मेरी लाइफ जो है मैं कोशिश करूंगी, गुरु जी कहते थे कि शॉर्ट विच सुनाई, वैसे तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं बहुत रेलिवेंट पॉइंट्स जो है गुरु महाराज जी की आज्ञा से सुनाऊं। संगत जी, मेरी जर्नी जो है गुरु जी के साथ, 2020 में आई वेंट इन टू डिप्रेशन विद द सुसाइडल थॉट्स अबाउट माई लाइफ। 2007 मेरे ब्रदर की डेथ हो जाती है, मेरे मामा, एक ही मामा थे, उनकी डेथ हो जाती है। 2016
मेरे एक चाचा उनकी डेथ हो जाती है, 2017 मेरी दादी उनकी डेथ हो जाती है, 2018 मेरे डैड उनकी डेथ हो जाती है, 2019 मेरे दो स्टेशंस होते हैं, मैं बिल्कुल जीरो हो जाती हूँ फाइनेंशियली, और 2020 में मैं डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स में चली जाती हूँ। 2020 में मेरे बच्चों के, जो कि मेरे एक्स हस्बैंड थे, उनकी भी डेथ हो जाती है। सो इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली मैं टोटली ड्रेन्ड आउट होती हूँ विद ऑल नेगेटिव थॉट्स। बट अचानक से, कहते हैं ना, गुरुजी इज अ डिवाइन लाइट। जब हमारे गुरुजी नोज द राइट टाइम, जब हमारे जीवन में अंधकार छा जाता है, तब गुरु महाराज एक डिवाइन लाइट बनकर अपना हाथ हमें आगे बढ़ाते हैं और हमें थाम लेते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का कि उन्होंने हमें थामा। 2020 में संगत जी, जब मैं जुड़ती हूँ गुरु महाराज से, तो यहाँ पर एक सत्संग होता है, मैं वहां पे जाती हूँ, एंड एज यूजुअल वी ऑल नो कि व्हेन वी क्राई इट्स लाइक ड्रेनिंग आउट एवरीथिंग फ्रॉम इनसाइड नेगेटिविटी एंड ही इज गिविंग अस ब्लेसिंग। सो फर्स्ट सत्संग में मैं जाती हूँ, आई वॉज जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग। सेकेंड सत्संग का एक यहाँ पे इन्विटेशन आता है, तो मैं वहां पर जाती हूँ। फर्स्ट सत्संग में मुझे इतना लाइक लाइट फील होता है, एक पीस मिलता है, तो सेकेंड सत्संग में जाने की बहुत अच्छे से, कहते हैं ना, इच्छा होती है गुरु महाराज के में, लाइक यू नो आई वॉज क्रेविंग फॉर सत्संग। एंड गुरु महाराज अपने चरणों में बुलाते हैं, और किस तरीके से उन्होंने लाइफ दी, हम पूरी चार फैमिली में, हमारे लोगों की चार फैमिली है, लाइक फैमिली में चार जने हैं, और गुरु महाराज ने कैसे हमें न्यू लाइफ दी, मैं आगे ये भी सत्संग में शेयर करने वाली हूँ संगत जी। गुरु महाराज के यहाँ जब हम जाते हैं अराउंड जून में, जून 2020, जुलाई 2020 में मेरे मम्मी को एक सपना आता है, और उस सपने में गुरुजी आज्ञा देते हैं हमें सत्संग करने की। यहाँ पे ज्यादा सत्संग नहीं होते, तो महाराज के जैसे ही हम सुनते हैं, हम बड़े एक्साइटेड होते हैं कि जी हम लोगों ने सत्संग करना है और दरबार लगाना है। टोटली हम लोग कहते हैं ना, भूल जाते हैं। संगत जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जब सपना आता है गुरुजी का, तो हमें बहुत उसको विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स तुरंत उस चीज को करना चाहिए। तब मैं बहुत नादान थी, नई संगत थी, और हम लोग दरबार सजाने के लिए, गुरुजी के चोले के लिए हम सब तैयारी करने लगते हैं। तो गुरुजी का हुक्म आता है मेरी मॉम को कि संडे को सत्संग करना है, लेकिन हम फर्स्ट संडे को सत्संग नहीं कर पाते, एज वी वर डूइंग यू नो जितनी भी प्रिपरेशन है वो कर रहे थे। लेकिन संगत जी, गुरुजी का दरबार जो है वो उनका एक स्वरूप और दिल से जलाई जोत, वो ही काफी है। सॉरी गुरुजी, हमें नहीं पता था। अगले हफ्ते हमें एकदम से न्यूज आती है कि मेरे बच्चों के जो डैड हैं उनकी डेथ हो गई, और हम वी वर शैटर्ड बिकॉज बैक टू बैक इतना कुछ हो गया था कि फैमिली में ऑलमोस्ट सबको ही खो दिया था। चार सालों में सब कुछ बदल गया था, एंड आई वॉज लाइक हम लोगों ने यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया और उनसे हमने सलाह ली, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन सत्संग है आपके यहाँ, हम उस दिन हम बच्चों को डिक्लेयर करेंगे एंड रेस्ट लीव एवरीथिंग ऑन गुरु महाराज। सत्संग का दिन आया, और एज हम लोगों ने पहले गुरु बच्चों को सिर्फ ये प्रिपेयर किया था कि उनका एक्सीडेंट हुआ है एंड ही इज इन आईसीयू, तो यू नो जस्ट प्रे टू गुरु जी। लेकिन जब सत्संग खत्म होता है, हम अपने बच्चों को डिक्लेयर करते हैं, और गुरु महाराज की कृपा से एवरीथिंग वॉज लाइक उन्होंने कंट्रोल किया उनके इमोशंस को। डेफिनेटली दे आर हर्ट, बट अगेन कहते हैं ना कि वही माता और वही पिता हैं, हम सबको उन्होंने ही संभाला है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, पल पल शुक्राना। संगत जी, अगला मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूंगी अबाउट माय लाइफ सेविंग सत्संग। जब ये जुलाई में हमें डेथ का पता लगता है, उसके बाद व्हेन आई गॉट कनेक्टेड टू गुरु महाराज, आई स्टार्टेड लिसनिंग टू गुरुजी सत्संग। जैसे हम कहते हैं गुरुजी एक ट्रेजर है, ट्रेजर को पाने के लिए, कहते हैं ना, अगर हमारे को किसी बुजुर्ग ने बोला कि पीछे बैकयार्ड में ना हमने आपके लिए ट्रेजर दबाया हुआ है, बट टू गेट दैट ट्रेजर
हम लोगों को खोदना होता है उसके लिए, उसको पाने के लिए ना जाने कितने टूल्स चाहिए होते हैं। इसी तरीके से गुरु जी को जानने के लिए मुझे सत्संग जो है वो एक टूल लगा। सत्संग सेवा सिमरन यही एक है जो हम गुरु जी तक पहुंच सकते हैं, और गुरु जी की मेहर हो तभी हम इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गुरु जी ने मुझे डिफरेंट सत्संग सुनाने शुरू करे एंड आई स्टार्टेड कनेक्टिंग टू गुरु जी। कुछ कुछ चीजें और क्लैरिटी हमें उन सत्संग से मिली। तो 5 अक्टूबर की बात है संगत जी, मेरे बेटे को एक सत्संग वो आता है, ड्रीम आता है और उसको गुरु जी कुछ बोलकर जाते हैं। हमें धीरे धीरे पता लगा कि कैसे टेलीपैथी और गुरु जी का जो ड्रीम है वो रियलिटी है, तो वी हैव टू यू नो डू इट एज सून एज पॉसिबल जो गुरु महाराज कहें। तो हम 6 अक्टूबर को वो चीज करना भूल जाते हैं और मेरा बेटे को अचानक से आता है और कहता है कि मम्मी आप हमने वो चीज नहीं करी जो गुरु जी का हुक्म था। आई सेड ओके लेट्स डू इट ऑन 7th। तो हमने 7th को गुरु जी का हम ये जो भी गुरु जी का हुक्म है हम वो पूरा करते हैं। संगत जी क्या होता है कि आई वॉज अ साईं बाबा फॉलोअर, और साईं बाबा को जब मैं फॉलो करती थी, हमारे यहाँ थर्सडे को हमेशा सत्संग होते थे साईं बाबा के, और वहां मेरे घर में एक बाबा का शिरडी का स्वरूप पड़ा है। मैं 7 अक्टूबर को शाम को सोफे पे लेटी थी और अचानक से मेरी आंख लगी। आंख में जैसे ही मेरी लगती है तो मुझे क्या विजन आता है कि जो साईं बाबा का स्वरूप है वो गुरु महाराज में कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होते ही वो जो है वो जलने लगता है। एंड आई स्टार्टेड यू नो क्राइंग, और मेरे को ना एकदम से पेन लगती है, और मैं क्या देखती हूँ कि मैं खड़ी हो रही हूँ और मैं झूमते हुए गुरु महाराज की जो हमारा मंदिर है उस तरफ जा रही हूँ, और मैं गुरु जी को वहां जाके प्रणाम करती हूँ, वापस आके सोफे पे बैठने लगती हूँ और मेरी मम्मी मुझे होल्ड करती हैं, बट मेरी मॉम को मैं एकदम से झटके देती हूँ और उनको कहती हूँ कि हटो और मुझे जाने दो। जैसे ही मैं सोफे के पास आती हूँ तो जो साईं बाबा का जो स्वरूप था ना जो गुरु जी में कन्वर्ट होता है, संगत जी मैं क्या देखती हूँ वो एशेज में जल रहा है और अचानक से उस पर ब्लास्ट होता है। और जैसे वो ब्लास्ट होता है तो मैं ना एकदम से उसमें से जब लाइट आती है, आई स्टार्टेड सेइंग शुक्राना गुरुजी, एंड माय वॉइस विच वाज इन पेन टर्न्ड इट इनटू शुक्राना, और मुझे जैसे एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है। मैं संगत जी जब मैं लेटी थी तो अचानक से मेरी नींद खुलती है एंड माय बॉडी वाज ऑल एक ठंडी पड़ी होती है, और मैं मम्मी को ये बोल रही होती हूँ कि मम्मी मुझे ना ये चीजें विजन में आई है। मेरी मॉम मुझे कहती है कि दीप्ति जब तुम झूम रही हो ना और खड़ी हुई हो ये रियलिटी है, क्योंकि तुमने ऐसे किया है और तुम वहां मंदिर तक गई हो जो कि मुझे सपना लग रहा था। और वापसी में मम्मी कहती है कि मुझे तो तब थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ जब तुम्हारी जो आवाज है पेन में थी और वो एकदम से तुमने थैंक यू गुरुजी बोला तो मुझे लगा कि तुझे गुरुजी दिख गए तो एवरीथिंग इज फाइन। अब संगत जी इसका जो जॉइंट सत्संग है, ये जो मंथ है ये अक्टूबर की बात है, लेकिन कैसे गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी, और ये डॉट जो है आगे कनेक्टेड होती है दिसंबर के सत्संग में। दिसंबर में हम एक गुरुजी का सत्संग कर रहे थे अपने घर में, एज बिकॉज ऑफ कोविड कुछ अलाउ नहीं था किसी को बुलाना, बट हमने घर में अपना सत्संग किया और उस दिन महाराज ने हमारे साथ 2 सत्संग करे। दैट वॉज अ सत्संग ऑन द ओकेजन ऑफ माई मॉम्स बर्थडे, और मैं जैसे ये विजन आया उस दिन क्या होता है, मेरी मम्मा गुरुजी के लिए ना गौशाला बनाती हैं, और मैं गुरुजी के गौशाला स्वरूप में जब सत्संग खत्म होता है मैंने कहा चलो मैं गुरुजी को गौशाला पहना देती हूँ। और मैं गुरुजी को स्वरूप पे जैसे ही गौशाला पहनाने जाती हूँ, संगत जी अचानक से क्या होता है कि मेरे को ना महक आती है कि जलने की बदबू क्यों आ रही है, और मैं जैसे ही देखती हूँ टर्न होती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे पीछे से आ रही है, और जैसे ही मैं टर्न होती हूँ तो संगत जी मेरा सूट, मेरा दुपट्टा और मेरे बाल, मैं पीछे से पूरी फायर में होती हूँ, और मेरी मम्मी मुझे अचानक से देखती है और वो झटके मार के दूसरे मेरी चुन्नी को हाथ से वो करती हैं, चुन्नी को फेंकती हैं, और मेरा सोफा भी जाके जल जाता है। एंड सी संगत जी, गुरु जी ने ये कष्ट, हम सबको पता है गुरुजी अपने कहते हैं ना बच्चों का कष्ट अपने स्वरूप पे लेते हैं, अपने ऊपर लेते हैं, सो देयर इज अ वचन कि कर्मों का भोग तो हम सबने भोगना है, लेकिन ये सदगुरु महाराज, ये परमपिता परमात्मा 90% ऑफ जो हमारे कर्म है
वो अपने ऊपर ले जाते हैं और सिर्फ हमें 10% भोगना होता है। और यही महाराज ने किया, जो कि उन्होंने अपने स्वरूप में अक्टूबर में ले लिया था, लेकिन इन दिसंबर सेम थिंग हैपेंड टू मी, मुझे उन्हीं के दरबार में आग लगती है, लेकिन संगत जी मुझे जरा सा भी कुछ नहीं होता। आप इमेजिन करिए, मैं पूछे पूरी का कहते हैं ना आग में लिपटी हुई हूँ, और वो कहते हैं कि शरीर के साथ भी आपका अगर छोटा सा कपड़ा भी जल जाए तो कितनी तकलीफ होती है, लेकिन मेरे महाराज ने मुझे वो नया जीवन दान दिया, तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अगला सत्संग जो है वो मैं सुखमनी जी पाठ से रिलेटेड बताती हूँ। मुझे एक सेवा आती है सुखमनी पाठ करने की, एंड मुझे नहीं आ पता कि सुखमनी जी का पाठ कैसे किया जाता है, बट आंटी के इंस्ट्रक्शन से एडिसन मंदिर से एक आंटी का कॉल आता है, एंड शी टोल्ड मी ऑल ऑफ सडन कि आंटी आप सुखमनी जी का पाठ करेंगे। मैंने कहा आंटी मुझे तो करना नहीं आता, तो वो मुझे बताती है कि आंटी कुछ नहीं करना, आप गुरु जी का स्वरूप लगाइए और अपना सर ढकिए और हम आपको लिंक भेजते हैं, जस्ट लिसन टू दैट सुखमनी जी का पाठ। मैंने कहा ओके आंटी, और मुझे यही लगता था जैसे मैं नई संगत हूँ कि अगर गुरु महाराज कोई सेवा दे रहे हैं तो वो उनकी बख्शीश है, हमारे कर्म काटने के लिए आती है। अचानक से क्या होता है संगत जी, मैं सुखमनी जी का पाठ कर रही होती हूँ, दूसरे ही दिन मुझे सुबह, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सत्संग सुनती हूँ, और सत्संग जब मैं सुनती हूँ ना तो मैं क्या करती थी अपने काम पे जाके लैप मतलब लाइक ऑन करती थी एक यूट्यूब में लिंक, और मैं गुरुजी को कहती थी गुरुजी तो आप ही सुनाओगे जो आप सुनाना चाहते हो, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जो वो सुनाना चाहते हैं सत्संग ऑटोमेटिकली पॉप अप हो जाता है। और मैं क्या करती हूँ, उस दिन लस्सी आंटी का सत्संग सुन रही होती हूँ, तो उसमें लस्सी आंटी बता रही होती हैं कि उनकी उनकी मॉम को कैसे गुरुजी ने चोले में दर्शन दिए, एंड मैं रैंडम ऐसे गुरुजी को बोलती हूँ अच्छा ऐसे भी होता है गुरुजी कि आप दिखा देते हो मम्मी पापा को ऐसे जो भी हमारे पूर्वज हैं चले गए, तो मैं उनको ऐसे बोलती हूँ अच्छा मेरे को पापा दिखा दो। फिर मैं संगत जी ये कह के भूल जाती हूँ, जैसे मुझे आदत है गुरुजी से बात करने की, हम सबकी आदत है बात करने की गुरुजी से, तो शाम को जब मैं सुखमनी जी का पाठ कर रही होती हूँ संगत जी, उस मेरे फोन में गुरुजी का स्वरूप खुला होता है और मैं आंखें बंद कर पाठ कर रही होती हूँ, बीच में अचानक से मेरी आंख खुलती है और मैं क्या देखती हूँ, गुरुजी के चोले पे जैसे जिफ होता है भोले बाबा आते हैं और उनकी जटाओं में से जैसे गंगा बह रही है। संगत जी मेरे पापा जो है वो भोले के भगत थे, वो भी मैं आगे चल के आपको आगे आने वाले सत्संग में बताती हूँ कि किस तरीके से भोले बाबा हमारे परम पिता परमात्मा गुरु महाराज उनको लेके गए हैं। तो क्या होता है कि वो जो वो है भोले बाबा का वो आता है चोले में, वो अचानक से मेरे डैड में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दिस वॉज सो अनयूजल फॉर मी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो मैं थोड़ी सी ना डाउट में भी होती हूँ क्योंकि हम नई जब नए नए जुड़ते हैं गुरु जी से तो बड़े सवाल आते हैं कि ऐसा है भी या नहीं है। तो मैं अचानक से अपनी बेटी को बुलाती हूँ और उसको कहती हूँ कि यहाँ कर देखो, यहाँ पे तुम्हें चोले में कुछ नजर आ रहा है। तो मेरी बेटी विदिन अ सेकेंड्स यू कैन से संगत जी वो इतनी तेज रोने लग जाती है और वो शाउट करती है, कहती है कि मम्मा देर इज अ नानू, नानू है इसमें तो। एंड संगत जी आई वॉज लाइक ओके माई गुडनेस, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। अचानक से मुझे याद आता है मैंने सुबह लस्सी आंटी का सत्संग सुनते ही रैंडम गुरु महाराज को बोला और गुरु महाराज ने मेरे पापा को दर्शन दिया और दिखाया कि वो उनके पास है, तो शुक्राना मेरे माने शुक्राना। संगत जी अपने पापा से रिलेटेड मैं एक सत्संग इसमें आपको बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। मेरे डैड की जो डेथ है वो 2018 में मार्च में हुई थी, 12 मार्च को। बड़ा ध्यान से ये सुनने वाला सत्संग है क्योंकि इसमें तारीखें बहुत मायने रखती हैं। तो क्या होता है संगत जी, एज मैंने अपने सत्संग शुरू करने में आपको बोला कि 2020 में व्हेन आई वेंट इनटू डिप्रेशन एंड तब गुरु महाराज जी की एंट्री हुई, लेकिन ये सच नहीं है। हम सबको पता है गुरु जी के साथ चलना इज अ स्पिरिचुअल पाथ, हम सब की सोल कनेक्शन है। सो कौन सी आत्मा कब गुरु महाराज से जुड़ी हुई है ये तो सिर्फ गुरु जी जानते हैं। वो गुरु जी का एक वचन है कि ना कि किसकी फाइल कब से है ये मैं जानता हूँ, सो दैट्स सो ट्रू। बट गुरु जी ने कैसे मुझे दिखाया कि 2018 में जब मैं सबको खो चुकी थी और डैड भी जा रहे थे, तो कैसे गुरु महाराज की एंट्री हमारे लाइफ में होती है।
12 मार्च 18 को मेरे डैड की डेथ होती है, लेकिन संगत जी 2-4 दिन पहले ही हमारा जो मेरे डैड है वो 6 months इन एंड आउट हॉस्पिटल में कर रहे होते हैं, और हमारा डैड का जो केस है वो हॉस्पिस में चला जाता है, वेयर दे डिक्लेयर्ड कि इनकी डेथ लाइक हम लोग इनका डिफिब्रिलेटर बंद कर रहे हैं एंड देर इज नो होप, सो टेक योर डैड एट योर होम एंड उनको आराम से पीस में जाने दो. हम डैड को ले आते हैं 2-3 दिन पहले ही, लाइक थर्सडे का आई थिंक वो डे था. तो क्या होता है कि मैं जब डैड को लेकर आती हूँ संगत जी, उसी दिन रात को नर्स हमें बोल देती है कि मैं हम ले तो आए हैं बट आई एम जस्ट टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली कि इनकी आज रात को भी नहीं कटेगी, बिकॉज मेरे डैड का एज डिफिब्रिलेटर लगा हुआ था. तो जब हॉस्पिस में उनका केस गया तो उन्होंने कहा कि ये डिफिब्रिलेटर को हमें बंद करना पड़ेगा, और जब डिफिब्रिलेटर बंद होता है तो इट्स वेरी हार्ड. एंड मेरे डैड के साथ बहुत और मल्टी कहते हैं ना ऑर्गन जो था वो फेल हो चुके थे, उनको उनको एक्चुअली पैरालिटिक अटैक भी आया था उससे पहले, एंड उनकी किडनीज में प्रॉब्लम थी, सो लॉट्स ऑफ स्टफ वॉज देयर. खैर एनीवेज वो नर्स जो डिक्लेयर कर देती कहती है आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आज की रात भी नहीं उनकी निकलेगी. तो मैंने कहा कि ओके, एंड वी स्टार्टेड गिविंग गंगा जल टू मेरे डैड. हमारे फैमिली फ्रेंड्स सब आने लग गए, जो फ्रेंड्स हैं यहाँ पे वो पापा को मिलने आने लग गए. अचानक से संगत जी क्या होता है, मेरी एक फ्रेंड आती है और वो मुझे कहती है कि जैसे सबको पता होता है कि मेरे डैड जो है वो भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे और वो रुद्राक्ष माला भी हमेशा डालकर रखते थे. तो वो कहती है मेरे पास ना उज्जैन की भभूत है दीप्ति, तो लेट मी सेंड यू उज्जैन की भभूत. एंड आई सेड ओके डेफिनेटली यार, मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी मेरे डैड के लिए. तो वो कहती है मैं तुम्हें भेजती हूँ. तो संगत जी क्या होता है कि अगले दिन मैं जब जा रही होती हूँ तो मेरी कार में मैं एक वीडियो बनाती हूँ, साईं बाबा का भजन चल रहा होता है. एज आई टोल्ड यू आई एम लाइक अ साईं बाबा फॉलोअर थी. तो जब मैं वो भजन रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, मैं व्हाट्सएप पे एक स्टेटस पे डाल देती हूँ रिकॉर्डिंग करते हुए, तो अचानक से मेरे पास एक मेरी सिस्टर है, लाइक मेरी फ्रेंड है कम सिस्टर और वो मेरी कलीग भी थी, वो मुझको टेक्स्ट करती है. 2018 की ये बात है. वो कहती है कि दीप्ति ये तुमने वीडियो कहाँ पे बनाया? तो मैंने कहा मैंने बनाया, मेरी गाड़ी का है. कहती है डू यू नो कि गुरु जी इज विद यू? तो अब संगत जी मैं तो गुरुजी के बारे में कुछ जानती नहीं थी, हु इज गुरुजी. तो बट हाँ मैंने एज अ यू नो इन अ रिस्पेक्टेड वे मैंने कहा ओके दैट्स फाइन, मैंने इतना ही बोला कि चलो ठीक है, इतनी ही हमारी बात हुई संगत जी. तो क्या होता है कि अब थर्सडे को मेरे डैड का डिक्लेयर हो जाता है कि वो आज की रात भी नहीं निकालेंगे. फ्राइडे को ऐसे मेरी जो सिस्टर है वो मुझे बताती है कि जी गुरुजी आपके उसमें कार में है. एंड संगत जी क्या होता है मेरे पास सैटरडे के दिन तक भभूत जो है वो नहीं आती. संडे का दिन चढ़ता है एंड संडे को जाके मेरे और फ्रेंड्स आते हैं और वो भभूत लेकर आते हैं. जब वो भभूत लेकर आते हैं तो शाम को एज आई टोल्ड यू कि हम गंगा जल तो देना शुरू कर ही देते हैं पापा को, संडे के दिन में शाम में हम पापा को उज्जैन की भभूत देना शुरू करते हैं. संगत जी मैं जहाँ रहती हूँ वहां पे इतनी बर्फ नहीं पड़ती, लेकिन उस मंथ में कभी कभार बर्फ पड़ जाती है. तो क्या होता है संडे के दिन शाम को बर्फ होनी शुरू हो जाती है. जब बर्फ होती है और पापा को हम उज्जैन की भभूत देते हैं, पापा मंडे का दिन चढ़ता है अमृत वेले का दिन, और हम पापा को तीसरी बार ही अभी उज्जैन की भभूत हम उनको चढ़ाते हैं. और संगत जी एक दिन पहले बाहर ऐसी बर्फ पड़ती है जैसे पूरा कैलाश पर्वत बिछ गया हो. एंड मंडे के दिन अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के वेले में गुरु महाराज ओम नमः शिवाय करते हुए मेरे डैड को अपने चरणों में ले जाते हैं. एंड आई नो इट्स ऑल हिम हु टुक माय डैड सोल इन हिज चरण शरण. सो शुक्राना मेरे गुरु जी का. जब हम अपने पापा को क्रिमेट करते हैं संगत जी, दैट टाइम ऑल्सो हमें रुद्राक्ष की उनकी माला दी गई. एंड आई सिंपली सेड कि नहीं भोले बाबा को पापा के साथ जाने दो, उनके बिना उनका कुछ नहीं है. बिकॉज संगत जी उनकी आखिरी सांसों में दैट इज अ गुड पार्ट कि वो ओम नमः शिवाय बोलते हुए कहे. तो शुक्राना मेरे मालिक, पल पल शुक्राना. संगत जी नेक्स्ट जो सत्संग है इट इज लाइफ गिविंग सत्संग.
ऑफ माय डॉटर, मेरी बेटी को एक तरीके से 9 सिम्टम्स ऑफ कोविड होते हैं, लेकिन हम ये सत्संग रिलेटेड है, पावर ऑफ मंत्र जाप एंड जल प्रसाद। तो जो मंत्र जाप है, हमें पता है गुरुजी का महामृत्युंजय मंत्र से भी बढ़कर, यू नो इट्स लाइक अबव दैट, बिकॉज उसमें बहुत शक्ति है जो कि न जाने कितनी लाइफ्स को सेव करती है, और गुरु महाराज ने कितने लोगों को डेथ बेड से उठाया। सेम हैपेंड टू विद माय डॉटर, उसको 7 सिम्टम्स होते हैं कोविड के, लेकिन संगत जी हम जब उसका टेस्ट कराए तो उसका नेगेटिव टेस्ट आए। अब हमें, मैंने ना उसको ऐसे ही बोलना शुरू किया कि टिया नथिंग विल हैपन, उसको आइसोलेट कर दिया गया। मैं कहा नथिंग विल हैपन, जस्ट यू नो डू मंत्र जाप और शब्द गुरबानी आप सुनो। तो क्या होता है संगत जी, मेरी बेटी को सपना आता है एकदम से कि मम्मा, मेरे को ना अगले दिन वो बहुत डरी होती है कि मम्मा आई डोंट वांट टू डाई, मेरे को सपना आया है कि मेरी ना डेथ हो गई है और मेरा जो सोल है इट्स फ्लोटिंग इन द एयर, आई एम ट्राइंग टू कम एंड सी टू यू, आई एम कॉलिंग यू, यू आर नॉट हियरिंग इट, आई एम ट्राइंग टू टच यू, लेकिन आपको मैं छू नहीं पा रही हूँ और मेरे को अंधेरा लग रहा है, एंड आई एम कॉलिंग नानू पापा मामा बट नो वन इज देयर, और मैं मंत्र जाप करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझसे मंत्र जाप नहीं हो रहा। संगत जी मैंने उसको बोला तुझे कुछ नहीं होगा, तू शब्द गुरबानी सुन रही है, तू मंत्र जाप कर रही है, टेक जल प्रसाद, की फेथ इन गुरु जी एंड ही इज गोना प्रोटेक्ट यू। संगत जी एंड कैन यू बिलीव, मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने दोबारा बोला कि तू जाके इसका टेस्ट करा, मे बी समटाइम्स पहली बार में नहीं आता, तो हमने जाकर इसके फिर टेस्ट कराए, लेकिन एवरी टाइम इट वॉज नेगेटिव। एंड जब उसको ये सपना आता है, मैं अगले दिन क्या देखती हूँ, दूसरे रूम में टिया की एक पिक्चर पड़ी होती है जो कि उसके अपने नानू के साथ होती है, एंड उस पे वो क्रैक आया होता है। सो गुरु महाराज जी ने किस तरीके से मंत्र जाप और जल प्रसाद के थ्रू उसको न्यू लाइफ दी और हमें दिखा दिया कि उसके ऊपर जो कष्ट आने वाला था वो गुरु महाराज जी ने टाल दिया। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, पल पल अनंतम शुक्राना। संगत जी अगला जो सत्संग है इट इज रिलेटेड टू माई मॉम्स बर्थडे। मैंने जैसे आपको बताया कि उस दिन हमें 2 बड़ी ब्लेसिंग्स मिली थी। फर्स्ट जो गुरुजी ने मुझे लाइफ दी थी, जो दरबार में मेरे को महाराज के आग लगी थी बट कुछ नहीं हुआ, एंड सेकेंड इज अ सत्संग अबाउट माई सन। सो मेरा जो बेटा है वो ई स्पोर्ट का यहाँ पे कोच है, विच इज अ गेम, ई गेम लीग ऑफ लेजेंड। तो वो जो है लीग ऑफ लेजेंड गेम जो है यहाँ की यूएस की सबसे मोस्ट पॉपुलर गेम है, एंड माय सन स्टार्टेड डूइंग कोचिंग, उससे पहले उसकी जो टीम है वो कभी भी कहीं स्टैंड नहीं करती थी, बट विद गुरु महाराज ग्रेस उनकी टीम जो है यूएस की 3rd बिगेस्ट टीम में आई और वो फाइनल में पहुंची। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। अब संगत जी देखो कैसे होता है, गुरु जी हर सत्संग, जब हमारे लाइफ में एवरी डे इज अ सत्संग, गुरु जी ने बहुत से न जाने कितने छोटे हर रोज एक सत्संग किया है, बट एज आई एम सेइंग कि गुरु जी की जो आज्ञा है मैं आज वही शेयर करूंगी। तो क्या होता है कि मैं और कैसे वो डॉट लगा के जाते हैं, स्टैंपिंग करके जाते हैं कि मेरी ब्लेसिंग है, सो दैट देयर शुड बी नो इफ्स एंड बट्स। हम नादान हैं, हम बेवकूफ हैं, हमेशा ही हमारे दिमाग में इफ्स एंड बट्स होते हैं, बट गुरु महाराज जी की जब मेहर होती है ना तो वो इफ्स एंड बट्स भी कन्वर्ट हो जाते हैं ब्लाइंड फेथ में। तो क्या होता है, उस दिन उसको कॉल आती है और वो उसकी जो मेन जो कोच था, कोच जो है वो इतने टाइम लेस उनके पास था, तो इसलिए वो टोटली मेरे बेटे को उन्होंने सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी। उनका फोन आता है और वो कहते हैं कि हम लोगों ने आपसे कहा है आपसे मिलना है और आकर ना पूरी टीम ने जस्ट 5 मिनट्स कम एंड विजिट टू अस। तो मेरे बेटा कहता है कि भाई हमारे यहाँ तो सत्संग है, सो आई डोंट थिंक सो आई कैन कम, बट लेट मी आस्क माई ग्रैनी। तो वो अपने नानी से पूछता है एंड वो लोग वहां जाते हैं। अचानक से संगत जी क्या होता है, उसको एक एनवलप देता है पूरी टीम और उसका सर कि भाई थैंक यू सो मच, तूने इतना डेडिकेशन किया कि आज जो हमारी टीम कहीं स्टैंड नहीं करती थी वो 3rd नंबर पे इन यूएस टीम है। तो वो बैठता है कार में, संगत जी दैट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड थिंग, ही गॉट अ कार्ड एंड सर्टेन अमाउंट, अ वेरी गुड अमाउंट विच वॉज अनएक्सपेक्टेड by Guru Maharaj, and he was like,
oh my god, 1, 2, 3, nani, so much, it was on and on. And वो कहता है कि नानी मैं ना जाके मम्मा को बोलूंगा, आप बताना मत. तो वो मेरे पास आता है, and I was doing दरबार सेवा, मुझे आकर कहता है कि आपको पता है, देखो उन्होंने ना मुझे कार्ड दिया और वो किया. मैंने कहा अच्छा ठीक है ना, मैं बाद में देख लूंगी. अचानक से वो मुझे बताता है, मम्मा मुझे इतना अमाउंट उन्होंने दिया. एंड मैंने कहा वाह, मैं कहा मैं दरबार लगाते हुए मेरे मुंह से अचानक से निकला थैंक यू कर दे गुरुजी को, गुरुजी की वजह से तेरे को मिला है. एंड संगत जी कैन यू बिलीव, जो उसको कार्ड मिलता है, मैंने जैसे ही वो कार्ड देखा और गुरु महाराज ने क्या दिखाया कि उस कार्ड के ऊपर जो कलर कॉम्बिनेशन थे वो उस दिन के दरबार के कॉम्बिनेशन थे जो गुरुजी का सत्संग रात को होने वाला था. सो एंड इट वाज सच एन अनयूजुअल, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल, लाइक क्योंकि नियॉन येलो एंड ग्रीन एंड इट वाज लाइक अ हॉट पिंक. और मैंने कहा वाओ, मैं कहा सी गुरुजी ने देख तुझे बता दिया कि ये मेरी ब्लेसिंग्स है. और मेरा बेटा अचानक से कहता है कि मॉम इमेजिन इतने सारे कार्ड्स होते हैं इन थाउजेंड्स एंड लैक्स. Why they gave me this? Because they gave you this because it's only blessing by Guru Maharaj. So Shukrana Guruji, pal pal Shukrana mere Maharaj ka. Sangat ji, main next jo satsang karne जा रही हूँ वो लाइफ सेविंग सत्संग ऑफ माय मॉम है. मेरी मॉम जो है वो मेरी बेटी को लेने डाउनटाउन की तरफ जाती है और अचानक से क्या होता है कि वो देखती है बैक, वो गुरुजी से जैसे वो भी बात करती है शब्द सुनकर जा रही होती है, अचानक से वो देखती है बैक व्यू मिरर में वो जो एग्जिट लेती है पीछे एक बहुत जोर से कार आती है और मेरी मॉम के तो टांगे कांपने लग जाती है और वो कहती है आज तो मैं गई बिकॉज उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी. बट अचानक से क्या होता है वो जो स्पीड में गाड़ी आ रही होती है वो जाके वो ड्राइवर जो है वो हटा के शोल्डर पे अपनी कार ले जाता है और वो अचानक से मुड़ जाती है और वो हिट करती है. उस कार के सारे शीशे आगे मेरी मॉम की कार में आते हैं और आगे वाली में जाते हैं. एंड माय मॉम वाज लाइक संगत जी इट वाज अ रियली बैड एक्सीडेंट, वी डोंट नो कि उनका क्या अंदर था क्या नहीं, आई होप गुरु महाराज जी ने उनको जरूर सेव किया हो. अचानक से क्या होता है मेरी मम्मी आंखें खोलती हैं और वो गुरुजी को एकदम थैंक यू करते हैं. तो आगे जो उनकी कार खड़ी थी उसका नंबर होता है 7447. संगत जी आई ऑलवेज कनेक्ट 7 and 4 टू गुरु महाराज. जस्ट आई एम टेलिंग यू, मैं भी जैसे मैं बहुत परेशान रहती थी, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी थी एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर भी थी. अगेन आई एम नॉट टेलिंग की भी आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग. तो मैंने एमरल्ड पहने, मैंने मोती पहने, हमने बचपन से ही हमारे घर में एस्ट्रोलॉजी और ये सब चलती थी. मेरे डैड हाथों की लकीरें पामिस्ट्री करते थे, मैंने ये चीजें करी. लेकिन विद गुरु महाराज ये सब चीजें मैंने अपने हाथों से जितने पत्थर थे वो सब हटाए और वो भी उनकी मेहर थी कि उन्होंने सत्संग सुनवाए. आई स्टॉप टैरो रीडिंग, आई स्टॉप डूइंग न्यूमरोलॉजी बिकॉज वो एक शब्द है बहुत प्यारा, सुहस हर नाम ध्याये मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए. तो जब हम उस रब का नाम ध्याने लगते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि गुरु महाराज इज अ डिवाइन लाइट जिससे सभी देवी देवता सृष्टि का कण कण उन्होंने बनाया है, तो जब हम अपने परम पिता परमात्मा का नाम ध्याने लगते हैं ना जो खुद सब पे हुक्म चलाते हैं, तो ये कहते हैं ना लकीरें क्या, ये हमारे ग्रह क्या, ये सब उनके आगे सर झुकाते हैं. हम सबको पता है जब एक सूर्य जो इतना ताकतवर है, सूरज देवता भी निकलने से पहले गुरु महाराज का हुक्म लेते हैं तो बाकी चीजें क्या है. तो शुक्राना मेरे मालिक का कि हम बस उनका ही नाम ध्याएं और हमें सेव भी वही करते हैं क्योंकि उन्हीं का जो हुक्म है वो सृष्टि के कण कण पे हर जीव जंतु पे चलता है. थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर सेविंग लाइफ ऑफ माय डॉटर, ऑफ मी एंड फॉर माय मॉम. संगत जी मैं आगे जो सत्संग करना चाहती हूँ वो रिलेटेड है अबाउट माय सन्स लाइफ, कैसे मेरे बेटे को उन्होंने नई लाइफ दी थ्रू शब्द गुरबानी. हाउ वी ऑल नो कि डायरेक्ट कनेक्शन इज सो मच इम्पोर्टेंट,
हमें कोई इन बिटवीन कुछ नहीं चाहिए गुरु महाराज से जुड़ने के लिए, और वो कहीं ना कहीं से हमें जवाब दे देते हैं। सो दिस सत्संग इज अबाउट माय सन। संगत जी, मेरे बेटे को, जैसे मुझे पहले नहीं पता था कि टेलीपैथी क्या होती है। इनफैक्ट जब मेरे एक्स हस्बैंड की डेथ हुई, उससे पहले मुझे टेलीपैथी हुई भी थी कि मैं उनको बोलूं कि वो जाके बड़े मंदिर में दर्शन कर कर आए, बट उस वक्त मुझे टेलीपैथी का मतलब ही नहीं पता था। सो मैंने उस चीज को ध्यान में नहीं दिया। मोर ओवर आई वॉज नॉट इन टॉकिंग टर्म विद माई एक्स हस्बैंड, दैट वॉज ऑल्सो द रीजन। एंड लेकिन संगत जी, बाद में कैसे हुआ, मेरे बेटे को यहाँ पर एक माटल बीच में जाने का मेरे फ्रेंड्स के साथ मौका मिला, और उन लोगों ने माटल बीच जाना था। अचानक से मुझे टेलीपैथी होती है, एक दिन मैं सुबह उठती हूँ कि मुझे उसको ना, नहीं उससे पहले क्या होता है, अब संग जी बड़ा ध्यान से सुनने वाले हैं कैसे 13 साइंस गुरु महाराज ने हमें दिए थे इस लाइफ जो सेव हुई थी। फर्स्ट जो साइन आया था वो मुझे अचानक से कहता है कि मम्मी, उसे स्वरूप पहना हुआ था कि मम्मी देखो मेरे स्वरूप तो ये निकल गया है और ये खराब हो गया। और मैंने कहा कोई बात नहीं, खंडित हो गया है, डोंट गेट अपसेट, गुरुजी ने ना तेरा कोई कष्ट लिया है। संगत जी, उसने जो स्वरूप पहना था उस, वो कैसे होता है, जैसे स्क्वीज हो जाता है ना पानी में, कोई चीजें श्रिंक हो जाती हैं और उसमें बहुत सी लाइंस पड़ जाती हैं। तो वो मुझे कहता है कि मम्मी देखो ये हो गया। मैं कहा तू गुरु जी के चरणों में रख दे एंड इट्स फाइन, नथिंग इज गोना हैपन। तो अचानक से अगले दिन मैं जब उठती हूँ, संगत जी, मुझे टेलीपैथी होती है कि मुझे अपने बेटे को बीच पे नहीं भेजना। सेकेंड इंडिकेशन मुझे क्या आता है, गुरु महाराज अचानक से याद दिलाते हैं, ये मंथ की बात थी शायद, आई थिंक जून, एंड उन लोगों ने अगस्त में मेरे बच्चों का सत्संग मैंने सोचा हुआ था, गुरु महाराज जी ने बख्शा हुआ था, एंड गुरु जी ने ही मुझे क्या याद आता है, गुरु जी ने मुझे एक थीम में हमेशा गुरु जी के ना, पता नहीं क्यों गुरुजी करवाते हैं दरबार में रखने की, मतलब मुझे शौक है करने का और महाराज की मेहर से मैं करती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे ये सोच दी थी कि मैं बच्चों के बर्थडे पे बीच थीम करूंगी। तो जिस दिन संगत जी, एक दिन पहले गुरुजी का स्वरूप जो है वो खंडित होता है, अगले दिन मुझे टेलीपैथी होती है और मुझे याद आता है कि गुरुजी ने अगस्त मंथ में बच्चों के बर्थडे पे बीच थीम ही क्यों लिखवाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई मुझे नहीं भेजना। अब मैं थोड़ी सी फिर कंफ्यूज हो जाती हूँ। एंड संगत जी, मैं क्या करती हूँ, सत्संग सुन रही होती हूँ और मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी आप ही मुझे बताओ, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। मैं शशि आंटी का सत्संग सुनती हूँ, वेरी ब्यूटीफुल सत्संग, जो कि अचानक से फिर पॉपअप होता है, विच वॉज ऑफ फॉर 3 आवर्स। मैं कहती हूँ, एंड संगत जी जैसे मैंने आपको बताया, मैं कभी भी सत्संग सेलेक्ट नहीं करती, मैं एक सेलेक्ट करती हूँ, रेस्ट आई ऑलवेज से गुरुजी आप वही सुनाना जो आप सुनाना चाहते हो। शशि आंटी का सत्संग मैं पहले भी सुन चुकी होती हूँ, उस दिन जब 3 आवर्स का आता है, एक बार मन में होता है कि मैं उसको स्किप कर दूं, बट अचानक से गुरुजी की बात याद आती है कि अगर गुरुजी कोई सत्संग बार बार सुनवा रहे हैं, मीन्स वी आर स्किपिंग समथिंग इन दैट, एंड गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं। और मैं शशि आंटी का सत्संग सुनती हूँ तो उसमें मुझे फिर स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होती है कि मुझे उसको नहीं भेजना। आई टेक्स्टेड माई सन कि कार्तिक आपको ना आई थिंक नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऐसे ऐसे इंडिकेशन आ रहे। तो मेरा बेटा मुझे क्या कहता है, संगत जी मैं उसको जब काम से लेने जाती हूँ, वो भी शब्द सुनता है, कहता है मम्मी अचानक मेरे को ना MP3 पे वो सत्संग आ, वो मैं ना शब्द सुन रहा था और उसके ना वर्ड्स थे, ऐसी मरनी जो मरे बहुर मिलन ना होवे। सॉरी, मुझे हमें मतलब नहीं पता था, लेकिन जितना हमें उस वक्त गुरुजी ने डाला, हमें लगा ऐसी मरनी ये तो मरने मरने पर है। तो कहते हैं मम्मी मैंने, मुझे लगा कि ये ना मैं स्किप करता हूँ, मुझे ये नहीं सुनना। एंड वो यूट्यूब पे कोई जाता है, अचानक से उसको फिर वही शब्द आ जाता है, ऐसी मरनी जो मरे, ऑल ऑफ सडन टॉपअप होता है। तो ही वॉज लाइक कि पता नहीं ये क्यों आ रहा है। मैं कहा बेटे तुझे पता है ना गुरुजी शब्द के थ्रू बोलते हैं। मैंने कहा आई थिंक तुझे नहीं जाना चाहिए। कहता है कि जहां पे वो काम करता था तो वहां पे मास्टर जी एक है, वो उसको कहते हैं कि तू मार्टल बीच जा रहा है ना, तू ध्यान रखियो अपना, ध्यान से रही हो, आजकल ना वैसे भी सही नहीं चल रहा माहौल। तो मैंने कहा ओ रियली, मैं कहा तुझे ऐसे बोला है, मैं कहा तो आई थिंक यू शुड नॉट गो। तो क्या होता है संगत जी, बट फिर भी जैसे एक बच्चे का मन होता है कि हम लोग उसको होता है कि चलो मम्मी हम गुरुजी के यस एंड नो की पर्ची डालें, तो अचानक से फिर
वही हमें हमारे एक अंकल है उनसे वो हमें डांटते हैं, हमारे अंकल कहते हैं कि तुम फिर येस एंड नो की पर्ची डालते हो, तुम्हें पता है इसका मतलब तुम गुरुजी पे फेथ नहीं है, सो डोंट डू दैट। मैंने उसको बोला कि कार्तिक आई थिंक हमें नहीं करना चाहिए। संगत जी मैं अगले दिन जब दोबारा अपने बेटे को काम से लेने जाती हूँ तो वो मुझे क्या बताता है, वो उस जगह पे 3 साल से काम कर रहा होता है, वहां आपकी दीवार पे सबवे पे वहां पे एक अमेरिका का पूरा नक्शा है, 3 साल से मेरा बेटा वहां काम कर रहा है लेकिन उसको कभी नहीं दिखता, लेकिन उस दिन जब वो क्लीनिंग कर रहा होता है कहता है मम्मी आज मुझे ना दीवार पे गैस क्या दिखा, मैं कहा क्या, कहता है मॉटल बीच। मैंने कहा ओह गॉड, कहते 3 साल में तो कभी नहीं दिखा। मैंने कहा सी गुरुजी इज गिविंग अगेन एंड अगेन इंडिकेशन, ही डिड टेलीपैथी, उन्होंने मुझको बीच थीम याद दिलाई और फिर तेरे को बोला गया कि भाई तू मॉटल बीच जा रहा है, तुझे नहीं जाना चाहिए, स्वरूप खंडित हुआ एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि तुझे शब्द आता है ऐसी मरनी 5वां एंड तो आई मस्ट से कि भी तुझे नहीं जाना चाहिए। तो क्या होता है कि वो कहता है कि ओके मम्मी आई विल नॉट गो। अगले दिन संगत जी क्या होता है, जैसे ही वो एक रात को मना करता है, अगले दिन मैं जैसे ही उठती हूँ मैं फर्स्ट वीडियो कोई कहीं पर आया होता है और मैं उसको प्ले करती हूँ, उसमें शब्द चलता है मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को भव कुछ नहीं जम नहीं आवे नेड़े। अब संगत जी जैसे हम लोग नए थे तो हमें भी मतलब मीनिंग का पूरा नहीं पता होता था, तो मैंने ना ऐसे ही मैं कहा जम जम ये तो कुछ यम से रिलेटेड है, आई टुक आउट द मीनिंग ऑफ दैट शब्द और उसमें फिर पता लगता है कि जो गुरु महाराज है उनके सेवक को तो कभी कहते हैं ना यमराज भी आके नहीं छू सकता। एंड आई वॉज लाइक शुक्राना मेरे गुरु जी। देखो जब तक संगत जी हमने डिसाइड नहीं किया था तब तक गुरु महाराज कैसे थ्रू शब्द थ्रू अपने स्वरूप जो उन्होंने कष्ट लिया वो हमें इंडिकेशन सत्संग के थ्रू शशि आंटी के थ्रू हमें इंडिकेशंस दे रहे थे। एंड जैसे ही मेरा बेटा कहता है कि मैं नहीं जाता मम्मी, अगले दिन गुरु जी ने अपने शब्द के थ्रू हमें जवाब दिया कि उसकी जो है वो लिखी गई टल गई। अब संगत जी क्या होता है कि मैं उसको वो स्क्रीनशॉट लेकर भेज देती हूँ, इसका आगे एक्सटेंडेड है सत्संग। जिस सैटरडे को मेरे बेटे ने जाना होता है फ्रेंड्स के साथ, उस दिन क्या होता है वो मुझे सुबह उठता है और मुझे कहता है मम्मी मम्मी मेरे को ना, एंड ही वाज स्केयर्ड, कहता है मुझे रात को ना सपना आया है। मैंने कहा क्या, कहता है मैं ना मेरे ऊपर कोई जैसे शैडोज वगैरह हैं और वो मुझ मेरे ऊपर बैठी हुई है और मैं ना उनको हटाने की कोशिश करूं, मैं मंत्र जाप करूं मैं नहीं कर पा रहा लेकिन मैंने उनको धक्का दिया और मैं भागने लगता हूं। मैं भाग रहा हूं अचानक से मुझे एक बहुत बड़ा गोल्डन गेट नजर आता है जिसके ऊपर एक ओंकार लिखा हुआ है और मैं उसको धक्का मारने की अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता हूं। वो हल्का सा खुलता है जिसमें से लाइट आती है लेकिन वो एकदम से बंद हो जाता है क्योंकि उसमें इतना प्रेशर है कि मैं उसको खोल नहीं पा रहा। एंड मॉम आई वाज लाइक, वो अपनी एक भाषा में जैसे बोल रहा था कि ऐसा लगा जैसे मुझे स्लीप पैरालिसिस हो गया कि मैं मेरी बॉडी नहीं मूव हो पा रही बट आई कैन विजन एवरीथिंग और कुछ बोल नहीं पा रहा। एंड आई वॉज लाइक शुक्राना गुरु जी, मैं कहा तेरा कष्ट जो है ना वो टल गया कार्तिक, क्योंकि गुरु जी इसी प्रकार से आप हमारे कष्ट लेकर जाते हैं, तो शुक्राना मेरे मालिक का। अब संगत जी जब ये सैटरडे को मुझे बताता है, शाम को हमने एक जगह पे सत्संग में जाना था तो मैंने इसको बोला यू शुड से थैंक यू टू गुरु जी क्योंकि उन्होंने तेरे को नई लाइफ दी है कार्तिक, तो कहता है ओके आई विल डू। संगत जी मैं अपने काम से आती हूँ तो मैं सो रही होती हूँ, किस तरीके से महाराज डॉट और स्टैंपिंग करते हैं मैं वो बताना चाहती हूँ कि इतना खूबसूरत सत्संग बनाते हैं। मैं सोकर जैसे ही उठती हूँ अचानक से मेरा हाथ मेरे फोन पे लगता है और यूट्यूब पे मुझे गुरु महाराज ले जाते हैं जहां पे महामृत्युंजय मंत्र चल रहा था। एंड संदीप जी मैं तो कभी सुनती भी नहीं, कहां से मैं वहां पहुंची मुझे नहीं पता। एंड मैंने गुरु जी को बोला थैंक यू सो मच गुरु जी, आई मीन आपने कार्तिक को नई न्यू लाइफ दी है और शुक्राना किस शब्दों में करूं क्योंकि हमारे तो प्रोटेक्टर ही वही है, हम 4 लोगों की फैमिली में ही अवर माता ही अवर पिता, मेरा भाई चला गया, मेरे भाई मेरे सब कुछ ही हमारे गुरुजी हैं, मेरे क्या हम सबके गुरुजी हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक का कार्तिक को ये न्यू लाइफ देने के लिए। अब संगत जी जो मैं नेक्स्ट सत्संग करने जा रही हूँ, जैसे हम बहुत शुक्राना गुरुजी का परिवार छोटा ना होकर भी बहुत बढ़ता जा रहा है, खूबसूरत मेरे साथ जो है गुरु परिवार के सदस्य जुड़ते हैं और मैं रोज उनसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ। सो कोई उम्र
कहते हैं ना, हर उम्र का हमें इंसान जो है वो सिखा कर जाता है। गुरु जी ने 2021 में मेरे बर्थडे पे बहुत प्यारी सी आंटी के थ्रू मुझे शिव पुराण जो है वो बख्शी। वो भी मेरा एक बहुत बड़ा सत्संग है मेरे बर्थडे का, कि किस तरीके से गुरु जी ने शिव पुराण दी। और मैं सोचती थी मैं शिव पुराण शुरू करूं, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। अचानक से गुरु जी ने शिव पुराण सेवा भी दी। तो संगत जी, जो मेरा नेक्स्ट सत्संग है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ अबाउट महाशिवरात्रि, अबाउट कैंसर। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और ऑल ऑफ सडन मेरे स्टमक में लम्स बन रहे थे एंड मेरे कुछ टेस्ट भी थे। तो गुरुजी ने, कहते हैं ना गुरुजी डांस करवा के आपके कष्ट हरते थे। अचानक से न जाने कहाँ से सेवा आई और हमने गुरुजी का जा ऐशकर पे हमने किया, डांस किया, सेवा करी। और मेरा कुछ उसमें मतलब मैं चाहती भी नहीं थी, लेकिन कहते ना उनका हुक्म था तो हमने किया। अचानक से महाशिवरात्रि का दिन होता है, अगले दिन यहाँ पर एक सत्संग होता है। मैं जाती हूँ सत्संग में एंड मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी आप बड़े पापा मुझे कुछ दिखाओगे नहीं कि कभी कोई ब्लेसिंग ही दे जाओ, क्योंकि मैं संगत जी कभी भी कोई ब्लेसिंग ढूंढती नहीं हूँ। कोई ऑल ऑफ सडन मुझे दिख जाती है तो मैं उसको अपनी ब्लेसिंग के रूप में वो करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना गुरुजी कई लोग ढूंढते हैं, ओम है, ये है, वो है, तो लेकिन जब गुरुजी हमें मिल गए उसी के अंदर, उन्हीं के अंदर सब कुछ समाया हुआ है, तो हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। बट मैं ऐसे पापा से बात करी थी तो मैं उनको बोलती हूँ, मैं गुरुजी को पापा बोलती हूँ, बड़े पापा, कि आप महाशिवरात्रि के दिन मुझको कोई वो नहीं देकर जाओगे ब्लेसिंग। तो मैं संगत जी खड़ी होती हूँ वहां पे, अचानक से मेरी मेडिटेशन में खड़े होकर ही आंखें बंद होती है, मेरी आंखें खुलती हैं। तो जिनके घर सत्संग होता है मैं क्या देखती हूँ संगत जी, गुरु महाराज के बिल्कुल ऊपर, मस्तक के ऊपर इतना बड़ा शिवलिंग विद अंदर ज्योतिर्लिंग, और उसकी शैडो जहां से पानी जैसे जाता है वहां पर एक डांसिंग डॉल आती है। एंड आई वॉज लाइक, वाओ गुरुजी आर यू गिविंग मी सम मैसेज। संगत जी मैं कोरियोग्राफर हूँ एंड मैंने बहुत टाइम से छोड़ रखा था, लेकिन शायद गुरुजी की कृपा थी और गुरुजी का हुक्म था कि गुरु महाराज ने फिर वो सेवा मुझे बख्शी और मैं दोबारा से मैंने वो करना शुरू किया। उस दिन महाशिवरात्रि के रूप में गुरु जी ने मुझे शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग और साथ में एक डांसिंग डॉल के थ्रू वो मैसेज दिया एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग माय कोरियोग्राफी अगेन। तो शुक्राना मेरे मालिक का, पल पल शुक्राना। संगत जी, नेक्स्ट जो सत्संग है इट इज अबाउट महासमाधि दिवस। अंकल आई एम सो सॉरी, मुझे टाइम नहीं पता, होप मैं आगे कर सकती हूँ शेयर। जी आंटी बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू अंकल जी। नेक्स्ट जो सत्संग है इट इज अबाउट महासमाधि दिवस। हम लोगों के यहाँ पे जैसे मैंने बताया, अभी नए हम लोग नए जुड़ रहे हैं, गुरु परिवार धीरे धीरे उनकी कृपा से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर एक सत्संग है होता है। मैं वहां से, गुरु महाराज हम लोगों को सेवा बख्शते हैं और हम जब घर आते हैं तो जूम पर एक सेवा थी, मैं आके वहां पे कनेक्ट होती हूँ। और कनेक्ट होने के बाद जैसे ही मैं देखती हूँ प्लेटफॉर्म पे हर जगह धीजा आंटी ने भी और हर बड़े बड़े जो इतनी प्यारी प्यारी पुरानी संगत है उनके एक्सपीरियंस सुन के बहुत अच्छा लगा। और मुझे अचानक से क्या पता लगता है, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, वो गुरुजी का फेवरेट था। तो हम अखंड पाठ सेवा में हम सेवा कर रहे होते हैं, तो वहां से सेवा करने के बाद मैं अपनी बेटी को ऑल ऑफ सडन कहती हूँ कि चल टिया आज ना हम लोग ये वाला दरबार में पूर्ण मतलब लाइक लाइट से बंद करने से पहले ये वाला चलाते हैं, गुरुजी का फेवरेट, और तू दरवाजे खोल दे। तो जैसे हम लक्ष्मी मैया के लिए दरवाजे खोलते हैं, तो मुझे ऐसे ही लगा कि हम गुरुजी आएंगे और दरवाजा खोल दें। हम लोग वो लज्जा गले चलाते हैं एंड जैसे ही हम वो लज्जा गले चलाते हैं तो अचानक से क्या होता है कि भी मैं उसको बोलती हूँ कि चल अब बंद कर दे दरवाजा, और ना हम लोग बंद कर देते हैं मतलब लाइक लाइट्स ऑफ कर देते हैं। संगत जी कैन यू बिलीव, मैं ना ऐसी बैठी थी, अंदर मेरी बेटी जाती है और वो ना वापस आती है, वो कहती है मम्मी पॉपकॉर्न खाओगे, मैंने कहा कि हाँ चल बना दे। अब अचानक से उसके फोन पे कुछ प्लेलिस्ट ऑलरेडी होती है, उसे भी नहीं पता, उसका हाथ फोन पे लगता है और बैंड चलने लग जाता है।
जैसे ही वो बैंड चलने लगता है, मैंने कहा ये क्या, मैं कहा बैंड चल रहा है वो, मैं कहा मैं ऐसे हंसते हुए उसको बोलती हूँ, मैं कहा कहीं ऐसा तो नहीं, मैं कहा गुरु जी आना चाहते हैं तो एक काम कर दोबारा से दरवाजे खोल दे। कहती कैन यू बिलीव मम्मी, मैं ना ऐसे मन में सोच रही थी कि क्या इतना बड़ा दिन है मम्मी, हमें भी अपने घर में गुरु जी का सत्संग करना चाहिए, बट आप इतनी लेट आए तो मैंने कहा कि चलो करो, चलो छोड़ो रहने दो। एंड संगत जी वो रूम से ये सोचकर बाहर पॉपकॉर्न के लिए बोलती है और बैंड चलता है, तो जैसे ही वो मुझे बताती है मैं कहती हूँ ओके तेरा मन था एंड गुरुजी आना चाहते हैं तो लेट्स ओपन द डोर, टर्न ऑन द लाइट्स ऑफ दरबार और हम लोग सत्संग करते हैं। तो कहती है कि मम्मा मैं कौन सी प्लेलिस्ट चलाऊं, मैं कहा ना ना कोई प्लेलिस्ट चूज नहीं करनी, अब जो चल रही है वो चलने दे, चाहे वो एक घंटे की है चाहे वो दो घंटे की है, वो गुरुजी विल डिसाइड। संगत जी हम लोग जैसे ही बैठते हैं मेरी बेटी कहती है कि मम्मा हम गुरुजी को क्या दें, मैं कोई नहीं पॉपकॉर्न खिला दे प्यार से, कोई बात नहीं गुरुजी सब खा लेते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग बैठ जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि गुरुजी के, मैंने कहा ओ मैं चरणों में हाथ लगाना तो भूल गई क्योंकि रात के संगत जी 1 या 2 बजे का टाइम था ये। तो जैसे ही मैं बैठती हूँ और मैं गुरुजी के चरणों में हाथ मतलब लगाती हूँ, तो अचानक से मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी के चरणों में ड्रॉपलेट्स ऑफ अमृत, एंड आई वॉज लाइक मैं कहा ये कहाँ से आ रहे हैं, मतलब मैं देखती हूँ कि अंगूठे से और पाँव में से अमृत आ रहा है, तो आई वॉज लाइक ये कहाँ से आ रहा है, एंड मैं तो खुशी के मारे हम लोग हो जाते हैं एंड हम लोगों ने जैसे उनको मत्था लगाया अपने होठों पे अमृत को लिया। लेकिन मेरी मम्मी और मेरे मन में, मेरी मम्मी के ज्यादा था मेरे को इतना नहीं था, मेरी मम्मी कहती है आर यू श्योर, मैंने कहा मम्मी आप क्या बात कर रहे हो, फिर सेंड बर्ड्स कर रहे हो, हमारे यहाँ कौन सी सीलिंग चोरी है कि वहां से वो आ गया, मैंने कहा ऐसे सेंड बर्ड्स मत करो, मैं ऐसे अपनी मम्मी को बोलती हूँ। लेकिन मन में कहीं ना कहीं खुद को भी लग रहा था कि ये आया कहाँ से। तो अगले दिन ना मैं कार में जाती हूँ, मैं संगत जी हमेशा गुरु जी से कप्पे मारती हुई जाती हूँ, मैं गुरु जी को बोलती हूँ गुरु जी ये उस दिन कल रात को जो हुआ गुरु महाराज, मैं क्या हुआ समझ नहीं आया, एंड मैं अपने जाती हूँ काम पे, वहां पर देखती हूँ कि क्योंकि इट्स अ बिग डे ऑफ महासमाधि दिवस, तो मैं कनेक्ट होती हूँ एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे नरेंद्र अंकल का सत्संग चल रहा था। तो मैंने कहा चलो सुनते हैं, ये सुनते हैं, अचानक से कैन यू बिलीव किस तरीके से होता है, मैं सत्संग सुनती हूँ विद इन 5 मिनट्स नरेंद्र अंकल अपना एक सत्संग शेयर कर रहे होते हैं जहाँ पे वो बताते हैं कि वो गुरुजी के पास जाते हैं और चरण दबाने की सेवा कर रहे होते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि नरेंद्र आज मैं तेरे को बताता हूँ कि गुरु की होता है, सॉरी मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, सो आई एम जस्ट टेलिंग इन हिंदी। तो कहते हैं आज मैं नरेंद्र तुझको बताता हूँ कि गुरु क्या होता है। तो वो कहते हैं कि चल मेरे पाँव दबा। जब वो पाँव दबाते हैं नरेंद्र अंकल, तो उसमें क्या वो बताते हैं कि जैसे ही वो कहते हैं गुरु महाराज की अंगूठा दबा और उसमें से अमृत की जो धार है वो निकलती है जो कि बहुत दूर तक जाती है, गुरु जी की सॉक्स भी गीली हो जाती है। एंड दिस वे आई गॉट माई आंसर एंड आई वॉज लाइक लिटरली क्राइंग एंड क्राइंग, क्योंकि संगत जी मेरे यहाँ पे भी जो महाराज का आशीर्वाद था वो उनके अंगूठे से ही था। आई वुड नॉट से वो कोई ऐसे नहीं था कि बह रहा है, लेकिन वहां पर चरणों की काफी बूंदे थी उनके अंगूठे से। तो शुक्राना मेरे मालिक का कि इतना बड़ा हमें वो ब्लेसिंग देने का, शुक्राना। संगत जी मुझे नहीं पता कि इस वक्त कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन अगर कोई नई संगत है विद गुरु महाराज मेक डायरेक्ट कनेक्शन और वो थ्रू शब्द गुरबानी थ्रू सत्संग हमारे सारे डाउट्स इफ्स एंड बट्स हमारे क्लियर करते हैं। सो फोकस ओनली ऑन दैट जो गुरु महाराज भूल कर गए थे, जैसे गुरु महाराज ने चोला छोड़ा था, दिव्य आभा आई थी, सबके खूबसूरत सत्संग उसमें है, हमारे आंसर सिर्फ और सिर्फ उसमें मिलते हैं। ग्रेस मार्क्स जो आजकल ग्रेस मैसेजेस जो चल रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ ये चीज हो चुकी है, पहले मैंने हम लोग इंटरप्रेट करने लग जाते हैं कोई भी चीज आती है कि ओके यू नो ओ आई थिंक यू नो दिस इज मेंट फॉर मी और गुरुजी ने ये चीज मेरे को बोली है, लेकिन उसकी वजह से आई सफर्ड बिकॉज अगेन आई एम सो सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल रहा हो, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ यहाँ पे। ग्रेस मैसेजेस को डोंट इंटरप्रेट, हम में उतनी क्षमता नहीं है, हमारे दिमाग में इतना नहीं है, इट्स जस्ट
की भी हम लोग उसको अपने साथ जोड़ लेते हैं. इफ वी वॉन्ट आंसर, दिव्या आभा खोले, सत्संग सुने, गुरु महाराज कहीं ना कहीं आके उसके थ्रू हमें आंसर्स देते हैं. सो वी नीड टू रिलाय ओनली ऑन दोज ब्लेस्ड मैसेजेस. शुक्राना मेरे मालिक. संगत जी, अगला जो सत्संग है वो मैं एक शेयर करना चाहती हूँ अगेन, कि किस तरीके से गुरु जी ने एक और सत्संग बख्शा मुझको, दैट इज रिलेटेड टू द दिस ईयर ओनली. अचानक से क्या होता है कि अभी ये पिछले नया बिल्कुल रीसेंट सत्संग है, एक डेढ़ महीने से लाइक मेरे को ना बार 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 जम वर्ड्स शुरू मतलब सुनाई देता था, मुझे सुनाई देता था. मैं गुरुजी को हंसते हुए बोलती थी, गुरुजी क्या चक्कर है, ये शब्द मैंने पहले भी सुना हुआ, इसमें तो मैंने कभी जम शब्द यू मतलब लाइक मतलब मेरा ध्यान ही नहीं गया. बस डेढ़ महीनों से ऐसे भी शब्द जो पहले सुने जाते थे उसमें जम और जम सुनाई दे रहा. मैंने कहा ओके, मैंने कहा आप अपने आप देखोगे, मुझे नहीं पता ये सब क्या चल रहा है. तो संगत जी क्या होता है कि मेरे को अचानक से मैं कनेक्ट होती हूँ एक गुरुजी की बहुत प्यारी संगत से, और मैं उनसे ऐसे डिस्कस कर रही होती हूँ, और अचानक से मुझे एक जगह से टेक्स्ट आता है बहुत प्यारी सी. अगेन माय सोल सिस्टर, शी टेक्स्टेड मी फ्रॉम अटलांटा कि आई एम डूइंग सत्संग एंड यू हैव टू कम. आई वाज लाइक मैं कहा ओके आई विल जॉइन, और आप मुझे लिंक भेजना. कहती नो नो नो, कोई लिंक नहीं है, आपको आना है यहाँ पर एंड आपने जरूर आना है. तो मैं कहती हूँ कि देखो मेरे को मुश्किल है क्योंकि मैं इतने दिन काम करती हूँ एंड इट्स रियली हार्ड टू गेट यू नो लाइक ऑफ. तो कहती है कि वो मुझे ना बार बार संगत जी जैसे एक होता है टेक्स्ट पे टेक्स्ट कर रही थी और मुझे बड़े प्यार से जैसे होता है ना बुला रही थी. तो मैंने कहा ओके लेट मी सी, मैं कुछ नहीं बोलती, मैं एकदम से चुप हो जाती हूँ. मैंने कहा अचानक से मेरे को एक आंटी है, स्वीटी आंटी बहुत प्यारी, उनका सत्संग मैं उनको उस दिन बोलती हूँ कि आंटी आपने मुझे अपना सत्संग नहीं शेयर किया. तो कहती है मैं आपको ना आंटी अभी लिंक भेजती हूँ. मैं बहुत टाइम से उनसे वो सत्संग मांग रही थी लेकिन मुझे कभी वो लिंक नहीं मिला, और उसी दिन मुझे वो लिंक भेजती है. और उसमें जब मैं सुनती हूँ तो उसमें मैं क्या सुनती हूँ, एक इंसिडेंस कि वो आंटी किसी संगत को जो जानती भी नहीं है उनको गजल के थ्रू वो गजल उनको बोलती है कि आंटी आप उनको इनवाइट करिए. तो वो जब उनको फोन करती है वो आंटी रीमा आंटी कहती है कि आंटी मैं तो नहीं आ पाऊंगी सत्संग में. तो वो कहती है कि आंटी देखो ये तो गुरुजी का हुक्म है और आपने आना है. अचानक से क्या होता है, रीमा आंटी सत्संग में पहुंच जाती है और वो स्वीटी आंटी को बोलती है कि आपको पता है कि मैं आना नहीं चाहती थी लेकिन क्या हुआ कि मतलब आपने ऐसे बोला कि गुरुजी का हुक्म है और मैं आ गई यहाँ पे. तो उनके साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि भई बट गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल जाते हैं कि वो गुरुजी का हुक्म था वहां पे सत्संग में आने के लिए. मैं आई कॉल्ड स्वीटी आंटी इमिजिएटली. मैंने कहा आंटी मुझे ना अभी अभी ऐसे टेक्स्ट हुआ है और वो मुझे ना बार बार बोल रही है एंड शी इज अ वेरी स्वीट सोल, शी इज लाइक माय सिस्टर, आई कांट गो बट इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू से नो टू हर. तो कहती है कि आंटी अगर आपको बुला रहे हैं ना तो आपको आई थिंक जाना चाहिए क्योंकि ये गुरु महाराज जी का. मैं कहा हाँ उन्होंने ना जैसे आपने अभी अपने सत्संग में उन आंटी को बोला था, मैंने सुना कि ये गुरु जी का हुक्म है तो उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया, ये गुरु जी का बुलावा है. तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्योंकि बहुत मुश्किल है जाना. तो आंटी ने कहा कि ओके आप एक काम करो कि गुरुजी पे छोड़ दो, आप जैसे गुरुजी से आप बात करोगे जो फर्स्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आपको इंट्यूशन होगी जस्ट फॉलो दैट. तो मैंने कहा ओके. अब संगत जी मैं उनका फोन रख देती हूँ. विद इन अ फ्यू सेकेंड्स मुझे नरेंद्र अंकल का सत्संग एक याद आता है. मेरे लाइफ के क्लोज बहुत ज्यादा नरेंद्र अंकल के सत्संग और शालिनी खेड़ा आंटी के सत्संग हैं, वेरी क्लोज टू माय हार्ट. तो मेरे को एकदम सत्संग याद आता है कि जब नरेंद्र अंकल को एक बार गुरुजी कहते हैं कि नरेंद्र तुमने ना वहां वाले सत्संग में आना है, आई डोंट रिमेम्बर सॉरी जलंधर था या लुधियाना था कि भी मैं वहां जा रहा हूँ और तुमने आना है. तो वो नरेंद्र अंकल उनको कहते हैं कि गुरुजी मेरी तो मीटिंग है मैं कोशिश करूंगा. वो फिर बोलते हैं उनको, लेकिन जब वो दूसरी या तीसरी बार आई डोंट रिमेम्बर सॉरी गुरुजी, बट वो जब उनको बोलते हैं तो गुरुजी उनको गुस्से से बोलते हैं देख मैं तेरे बिना वापस नहीं जाऊंगा और गुरु
बोल देता है मानना ना मानना तुम्हारी बात। तो मुझे वो सत्संग जब याद आता है और उसमें जब नरेंद्र अंकल वहां जाते हैं तो महाराज ने उनके बेटे की जो लाइफ है वो वहां पे लिखी थी। तो संगत जी जब गुरु का बुलावा सत्संग में जो मैंने सीखा है वो पहली बात तो कहते हैं ना एक शब्द है बिन भागा सत्संग ना लभे। तो बड़े भागों से हमें सत्संग मिलता है वो भी गुरु जी की मेहर से। एंड गुरु जी नोज कि कौन सा सत्संग हमें बख्शना है, कौन सी ब्लेसिंग किस जगह किस वक्त हमें मिलनी है ये हमें नहीं पता। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए हमें अगर गुरु जी का बुलावा आया है उस जगह पे जाके हम महाराज की ब्लेसिंग्स लें। तो संगत जी क्या होता है कि मैं इमीडिएट विदाउट आस्किंग माय मॉम आई टेक्स्टेड श्रुति आंटी कि ओके आंटी आई एम कमिंग देयर एंड डेफिनेटली 100%। एंड शी वॉज लाइक ओके। मैं उससे पहले जब मैं थोड़ी सी डाउट में थी, मैं सॉरी संगत जी एक पॉइंट भूल रही हूँ, जब मेरी श्रुति आंटी से बात हो रही थी अचानक से मैं श्रुति आंटी को टेक्स्ट भी करती हूँ। मैं कहती हूँ कि आंटी ये आपने जो कल मुझे बार बार लिखा था गुरु जी का बुलावा है और ये था तो आप ऐसे क्यों बोल रहे थे। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक लाइन ये लिखी बोली कि आंटी मुझे नहीं पता देर वॉज सम फोर्स विच वॉज डिक्टेटिंग मी एंड आई वॉज टाइपिंग इट सो आई डोंट नो। इमीडिएटली संगत जी जब उन्होंने मुझे ये रिप्लाई दिया था तो मैंने फिर उनको बोला ओके आई विल कम। नरेंद्र अंकल का सत्संग सुनने के बाद मुझे ऐसा टेलीपैथी होती है कि सिर्फ मैंने नहीं जाना, हम सब पूरे परिवार वहां पर जाएगा। एंड हमें गुरुजी ने वहां पे सत्संग बख्शा। अब संगत जी क्या गुरुजी ने किया उस सत्संग से हमें जो जो ब्लेसिंग्स मिली, मेरी मॉम को ठीक एक दिन पहले यहाँ पर एक सत्संग था, हम वहां पर जाते हैं और मेरी मॉम को अचानक से इचिंग शुरू होती है और उनकी बॉडी पे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं बहुत मोटे मोटे। उससे थर्सडे पहले एक दिन पहले जब हमें गुरु महाराज जी ने शिव पुराण की सेवा यहाँ पे बख्शी हुई है, शिव पुराण का मैं जब भोग बना रही होती हूँ तो थर्सडे को मैं श्रुति आंटी को टेक्स्ट करती हूँ जो मुझे पता नहीं महाराज कहाँ से बोलते हैं और मैं उनको कहती हूँ श्रुति आंटी माई मॉम विल कम देयर एंड शी विल मेक अ कड़ा प्रसाद फॉर अटलांटा सत्संग संगत। तो कहती है ओके दैट विल बी रियली ग्रेट। मतलब मैं तो अभी गुरुजी को यही बोल रही थी, उनका भी एक सत्संग रिलेटेड है आई थिंक आंटी विल शेयर सम टाइम। तो उन्होंने कहा कि ये तो मॉम के हाथ का बना हुआ दीदी, तो ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि भाई यहाँ पे मेरे को मिलेंगी और परिवार को मिलेंगी। संगत जी मैं अपनी मॉम से भी नहीं पूछती, मुझे पता नहीं कहाँ से मैं टेक्स्ट कर देती हूँ। एंड सैटरडे को मेरी मॉम को एकदम से बड़े बड़े ब्लिस्टर पानी वाले हो जाते हैं एंड शी गॉट शिंगल्स। हम लोग जाते हैं, अब मैंने बड़ा दिक्कत तो थी लेकिन मम्मा को पेन स्टार्ट हो जाता है। मम्मी ने कहा ना सत्संग के लिए तो आई एम ऑलवेज रेडी। हम लोग निकलते हैं, जब यहाँ से हम अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं संगत जी बहुत अंधेरा होता है और मैं ड्राइव कर रही होती हूँ। ड्राइव करते करते अचानक में क्या देखती हूँ, जो गुरु जी का स्वरूप गाड़ी में है उसमें ना मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ कि देखियो जरा गुरु जी के यहाँ माथे पे क्या हो गया, फूल सा गया है माथे पे। तो वहां पे फूलता है फिर उनकी आंख के नीचे आ गया। मैंने कहा ये तो गुरु जी ना कोई कष्ट ले रहे हैं किसी का। संगत जी मैं जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं हम लोग तो मम्मी की जो इचिंग होती है जो थोड़े से ब्लिस्टर्स होते हैं वो फूल के इतने बड़े बड़े पानी वाले बन जाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। एंड कैन यू बिलीव शिंगल्स इज सो पेनफुल, मतलब इट कैन डैमेज नर्व ऑल्सो। आज फोर्थ वीक चल रहा है एंड माई मॉम इज स्टिल इन पेन। उनको बहुत स्ट्रॉन्ग डबल डोज भी दी जा रही है लेकिन उस दिन गुरु जी की कृपा कैसे होती है, वो वहां जाती है सत्संग में बैठती है, सेवा गुरु महाराज उनसे लेते हैं कड़ा प्रसाद की चाय प्रसाद की। एंड मेरी मॉम जो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी वो वहां पे कहते हैं ना धरती पे बैठ के गुरु महाराज का पूरा सत्संग अटेंड करती है। एंड शी वॉज लाइक डांसिंग एंड टॉकिंग एंड मीटिंग टू न्यू संगत परिवार देयर। आई वॉज लाइक शॉक्ड, इनको कुछ हुआ भी है। कहती मैंने ना गुरु जी को रोते हुए बोला था गुरु जी मुझे ना सत्संग में मुझे कुछ ना हो, बस मेरे को ना आपका सत्संग अच्छे से अटेंड करना है। एंड गुरु जी सेव्ड हर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरु जी। उसके बाद जब हम निकल के आए वहां से अगेन उनका पेन बहुत शुरू हो गया था जो कि आज तक चल रहा है, बट अगेन मेरे को पता है गुरु महाराज ये भी कोई ना कोई कर्म, कहते हैं ना हमारे जब कष्ट आते हैं तो कोई ना कोई कर्म हमारे काट रहे होते हैं बिकॉज इट्स हिम ओनली कि जो कहते हैं ना महाशिव हैं जो कर्मों को काटने में भी हमारी मदद करते हैं। संगत जी
नेक्स्ट सत्संग मैं है आपको जैसे बता रही हूँ कि मुझे बार बार जम और ये सब चीजें दिख रही थी। मेरे बेटे को जो है ऑल ऑफ सडन एक सपना आता है विच वॉज वेरी वियर्ड। पूरा मैं सत्संग ये सपना भी शेयर नहीं कर सकती क्योंकि गुरुजी की अभी आज्ञा नहीं है, बट जरूर डेफिनेटली आई एम गोना शेयर दिस। बट अचानक से उसको वो बहुत नेगेटिविटी फील होने लगती है और वो आकर मैं अचानक से देखती हूँ रात को मेरे पास आके बैठ जाता है, कहते हैं मम्मा देर इज समथिंग यू नो, मतलब मुझे ना कुछ हो रहा है। उसको क्या होता है अचानक से मेमोरी जो है उसकी लॉस हो जाती है, लाइक लॉस भी नहीं होती मेमोरी, हाउ आई से जो उसने मुझे बोला मैं आपको उसी भाषा में बताती हूँ। उसने मुझे बोला कि मॉम आई एम फीलिंग लाइक दैट आई एम इन अ कोमा, आई कैन सी स्टफ, आई कैन लिसन टू इट, बट मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा और मेरा माइंड जो है ना वो डेड हो रखा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो क्या करा था संगत जी, हर चीज ना हमसे पूछे, इवन टाइम भी देखे तो दोबारा पूछे कि ये टाइम सही है, हर चीज में उसको हमारा मतलब लाइक बार बार एक मतलब जवाब चाहिए कि भाई वो जो सोच रहा है क्या वो सच में हो रहा है, बिकॉज ही इज थिंकिंग दैट ही इज इन कोमा, ही इज टेकिंग अ ड्रीम, इट इज नॉट हैपनिंग इन रियलिटी। तो मैंने कहा ओ, मैंने कहा तूने मंत्र जाप, क्या होता है संगत जी इस ये होने से पहले मेरे बेटे के ना सपने में गुरुजी आते हैं। अगेन मैं जो आपको बता रही हूँ ताकत पावर ऑफ मंत्र जाप विच इज सो इम्पोर्टेंट, हम लोग पहले करते थे, बीच में हम लोगों ने छोड़ दिया था। तो गुरुजी आकर मेरे बेटे को ये चीज होने से पहले कुछ दिन पहले उसको बोल कर जाता है कि मैं कहते मुझे एकदम वो टेक्स्ट करता है, कहता है आपको पता है मम्मा गुरुजी आए थे और ना वो मुझे कह रहे हैं हंसते हुए, कहते तेरे लिए टेस्ट लेना है मुझे। तो मैंने कहा अच्छा, फिर कहता है मैंने उनसे पूछा गुरुजी की, कहता है कि तू ना मंत्र जाप नहीं करता तो तू मंत्र जाप करना आएगा। तो कहता है मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मैं ना कर नहीं पाता, चलो मैं पूरी कोशिश करूंगा करने की। तो ही मतलब ही स्टार्टेड डूइंग मंत्र जाप बट अगेन ऑन एंड ऑफ करता था, आपको पता है जैसे बच्चे होते हैं। तो क्या हुआ कि फिर उसके साथ ये वाली हैपनिंग हुई, फिर मैंने उसको डांटा, मैं कहा तुझे पता है ना कि गुरुजी अगर इफ ही गिव्स इंस्ट्रक्शन मींस वी हैव टू फॉलो, अगेन यू आर नॉट डूइंग इट, तो तुझे पता है फिर कैसे कैसे तूने सत्संग सुने। तो कहता है कि ओके वी विल डू, आई विल डू इट एंड लेट्स डू। तो हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हम सब इकट्ठे मिलकर करेंगे तब ये शायद बैठेगा। तो संगत जी कैन यू बिलीव जब हमने दोबारा से ये चीजें शुरू करी मंत्र जाप और जल प्रसाद ग्रहण करना, मेरा बेटा 3-4 दिन के बाद जो कि उसने 2 दिन छुट्टी भी ली थी अपने काम से, उसको चीजें नहीं ग्रैब हो रही थी एंड गुरुजी ने उसकी सब चीजें फिर ठीक की। तो शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना। यह संगत जी ये रिसेंट के बाद सत्संग भी शेयर कर रही हूँ आपसे 1-1.5 महीने के। एक सत्संग और है, जैसे मैंने आपको बताया मेरी बेटी को गुरु महाराज सपने में आते हैं और उसको कुछ चीजें दिखाते हैं, नहीं अच्छी थी वो चीजें एंड उसको कुछ डेट दिखाकर जाते हैं। तो उसी की डेथ की डेट एक दिखाकर जाते हैं, शी सॉ सम ग्रेवयार्ड और ग्रेव पे ऊपर उसने देखा था कि उसका नाम लिखा हुआ है और 11 दिन लिखे हुए हैं उस पे, और वो रोती हुई कांपती हुई मेरे पास आती है, कहती मम्मी मम्मी मुझे ये ना सपना आया। और वो मैं कहा कुछ नहीं होगा दैट्स ओके, कहती नो मैं थोड़ा सा स्केर्ड उस वक्त होगी बट आई नो गुरुजी इज गोना टेक केयर ऑफ मी। तो मैंने कहा बस तू जो तुझे दिखाया गया है इन 3 डेटों पे अपना ध्यान रखियो। संगत जी ये डेट्स अभी निकली है, 17, 18 और 19 की डेट मैंने उसको बोली थी। मोस्ट प्रोबेबली 18 को मेरे डैड का बर्थडे था, बहुत खूबसूरत मंथ में गुरुजी ने सेवा बख्शी है। तो क्या होता है 19 तारीख को ये जब अपने वहां जाती है अपने उस पे जा रही होती है कॉलेज में, इसका मेरे को आता है टेक्स्ट आता है, कहती है मम्मी मैंने को आपको एक बात बतानी है, प्लीज मुझे डांटना मत। मैंने कहा क्या हुआ है बता तो सही। तो मुझे मैंने कॉल करा उसको, कहती है मॉम कैन यू बिलीव, कहती है कि आपने मुझे बोला था ना कि 3 डेट्स पे ध्यान रखना है। मैंने कहा हाँ, कहती है आई वॉज गोइंग टू द कॉलेज और मैंने को ना रोड क्रॉस करनी थी, आई सॉ दैट देयर इज अ ग्रीन लाइट एंड आई एम नॉट सपोज टू क्रॉस द रोड, बट मुझे नहीं पता कि मैं फिर भी आगे जा रही हूँ। और कहती है मैं जैसे ही आगे गई हूँ मम्मी मेरे को ना पीछे एक लड़की ने ना पीछे खींचा एंड शी वॉज लाइक आर यू क्रेजी व्हाट यू आर डूइंग, कर क्या रही है तू, मतलब लाइक तूने मुझे डरा दिया। एंड मैंने कहा फिर, कहती है कि मॉम मैं सिर्फ 2 स्टेप्स पीछे थी एंड देयर वॉज अ कार रनिंग, कि अगर मैं 2 स्टेप्स और आगे जाती तो वो कार मुझे हिट कर देती। तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर अगेन सेविंग लाइफ ऑफ माय डॉटर
एंड गिविंग हर न्यू लाइफ। संगत जी, बहुत से छोटे छोटे ऐसे सत्संग और हैं, मैं क्या बताऊं, गुरु जी हर रूप में उन्होंने आके हमें ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं जल्दी जल्दी, बहुत टाइम मैंने ले लिया, लेकिन जो जरूर जब दोबारा गुरु जी का हुक्म आएगा मैं सत्संग करूंगी। जाने से पहले मैं अगेन डायरेक्ट कनेक्शन पे बोलूंगी कि महाराज आके हमसे बात कैसे करते हैं। आजकल गुरु जी मुझे बहुत ना त्रिशूल बहुत दिखा रहे हैं, तो त्रिशूल रूप में मुझे बहुत सी ब्लेसिंग्स मिली, लेट मी शेयर दैट। मैं संगत जी, इस घर में जब हम आ रहे थे तो कुछ चीजें मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा लॉसेस हो चुके थे, बैंक करप्सी थी, तो गुरु जी जो है ना, मतलब लाइक मेरा अपार्टमेंट बहुत छोटा सा था। मेरा बड़ा मन करता था गुरु जी का ना सत्संग करने के लिए, लेकिन जैसे गुरु जी कहते थे कि संगत बढ़ाओ, बट छोटा घर के कारण मुझे थोड़ा सा सबको बुलाते हुए लगता था। मैं गुरु जी को कहती थी, गुरु जी आप कहते हो संगत बढ़ाओ, मैं कैसे करूं। बट अगेन उनकी मेहर से, उनकी कृपा से, उनकी हिम्मत से हम लोगों ने अपार्टमेंट में दो बार महीने में सत्संग करना शुरू किया, एंड ए और बी ग्रुप बनाया गया। और मेरे को होता था मैंने किसी संगत को लेफ्ट ओवर नहीं करना, तो गुरुजी ने वो सेवा बख्शी। हम हर जगह अप्लाई करते थे, हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती थी और हमें अपार्टमेंट भी नहीं मिलता था। हमें ये होता था कि एक ऐसा अपार्टमेंट मिल जाए जहाँ पे कहते हैं ना कि भाई इतना बड़ा ड्राइंग रूम हो कि हमें संगत को चुनना ना पड़े। लेकिन चलो गुरुजी ने वो कृपा बख्शी। अब देखो गुरुजी का कमाल, हमें अपार्टमेंट भी नहीं मिलता था और गुरुजी ने हमें आज एक गुरु आशियाना बख्शा है, ऐसा घर बख्शा है जहाँ पे हम बिना झिझक के गुरु जी कहते ना किसी भी संगत को बुला सकते हैं। और उन्होंने शिव पुराण रीडिंग एवरी थर्सडे ये सेवा हमें बख्शी है, तो शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, जब मैं यहाँ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि एक जब मैं यहाँ आने लगी तो मुझे कुछ चीजें कहते ना गुरु जी ने दिखाई फर्स्ट डे आते हुए, जहाँ पे जिस डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ विच वॉज नॉट अ राइट डायरेक्शन, मैंने मांगा क्या था उस चीज को लेकर मिस इंटरप्रेट करना शुरू किया मैसेजेस को, एंड आई वाज गोइंग ऑन रॉन्ग डायरेक्शन। गुरुजी ने संभाला, अगेन इट वाज दैट कहते हैं ना उन्हीं का कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, उनकी प्लानिंग थी। लेकिन जब मैं इस घर में आ रही होती हूँ तो मैं फर्स्ट डे मेरा मूविंग का, और मुझे कुछ चीजें समझ में आती है जो गुरु महाराज डालते हैं, एंड मैं बहुत परेशान होती हूँ। मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी ये घर हमारे लिए सही भी है, मतलब लाइक ये सब चीजें क्यों इतनी नेगेटिविटी हो रही है। तो मम्मी मुझे कहती है कि ए तू ये क्यों सोच रही है, तू ये क्यों नहीं सोच रही कि आज गुरु जी ने हमें गुरु आशियाना में घर बख्शा है। फर्स्ट डे हम वहां जा रहे हैं और गुरु जी ने सारी चीजें हमें क्लियर करी और हम उस गलत रास्ते पे जाने से बच गए। और गुरु जी ने ना जाने कितनी और मिस हैपनिंग्स होनी थी उनको हमें काटा। मैं कहा सही बात है मम्मी, थैंक यू सो मच, और गुरु जी को हमने शुक्राना किया। सी हाउ आवर परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ चेंजेस विद गुरु महाराज। अब क्या होता है संगत जी, मेरे को फिर वो जैसे होता है ना बीच बीच में हमें होता है कि पता नहीं लैंड ठीक है या नहीं है, घर ठीक है नहीं है, तो ये सब चीजें क्योंकि बचपन से हम देखते आए हैं। तो जब हम शिव पुराण रीडिंग, मेरे मन में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, तो थर्सडे को शिव पुराण रीडिंग जब हमारी खत्म होती है और हम लोग किचन में काम कर रहे हैं, सो दिस इज अ न्यू कंस्ट्रक्शन होम, और किचन में काम करते करते मैं क्या देखती हूँ कि वहां पे ओम अपीयर हो जाता है, एंड ओम के ऊपर खाली उस दिन हमें ओम दिखता है बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड वी वर लाइक ये तो कहीं पर भी पैच नहीं है, ये ब्राउन सा ओम कहाँ से आ गया। तो गुरु महाराज ने वो ब्लेसिंग्स हमें दी, तो शुक्राना गुरु जी का। अगले दिन क्या होता है कि मेरी मॉम को फिट आउट होता है, मेरी मम्मी कहती है पूरे स्लैब में कहीं पर भी ये ब्राउन ऐसा डार्क ब्राउन नहीं हुआ हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गिर गया, और मेरी मम्मी उसको रगड़ने में लगी होती है कि हट जाए, लेकिन वो हटता नहीं है। और अचानक से लेकिन अगले दिन हम क्या देखते हैं, एज आई टोल्ड यू की भी मैं साईं बाबा की फॉलोअर थी, और गुरु महाराज हमेशा जिसको भी आप मानते हो उस दरबार में उसको सोच के बैठो और गुरु जी उसी का दर्शन देते हैं। गुरु जी ने हमेशा मुझे साईं बाबा के दर्शन दिए और उस रूप में ब्लेस किया। मम्मा को हमेशा भोले बाबा दिखाए। मेरी बेटी का कनेक्शन आई डोंट नो सम हाउ विद गुरु नानक देव जी महाराज के साथ है, तो उनको उस रूप में दिखाया। अब मेरी मम्मी मुझे क्लिक करके पिक्चर भेजती, कहती है देख ओम के ऊपर ना साईं बाबा बने हुए हैं। मैंने कहा अरे हाँ मम्मा, सो हाउ ही ब्लेस दिस हाउस। अब एक बहुत अच्छा सत्संग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ संगत जी। थर्ड टाइम जब मुझे गुरु जी का बहुत डाउट होता है इस घर के लिए, अचानक से क्या होता है, मैं एक सखी आंटी है, बहुत अच्छी प्यारी सी साक्षी आंटी है, शी इज अगेन माय सोल सिस्टर,
मैं उनको बोलती हूँ, कोई मेरे है चाइल्डहुड फ्रेंड, अगेन गुरु संगत कैसे कनेक्ट हुए ये बाद में मैं बताऊंगी कभी चांस हुआ तो, वो इंडिया जाते हैं तो मैं साक्षी आंटी को बोलती हूँ मेरे पास यार गुरु जी का ना व्हाइट वाला स्वरूप नहीं है 20x30 का, प्लीज तू देख ले अगर मुझे ब्लेस हो जाए मिल जाए तो। तो उनसे मेरी जब कन्वर्सेशन बात होती है तो वो मुझे कहते हैं कि चलो मैं देखती हूँ, बाकी देखो गुरु जी की जैसे इच्छा। तो मैंने कहा यार मैं आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम साक्षी आंटी, सो क्या कहते हैं वो मुझे कहते हैं कि बाकी गुरु जी की इच्छा। मैं कहा कोई बात नहीं। अब क्या होता है जब मेरे फ्रेंड ने आना होता है इंडिया से तो वो समहाउ वो ला नहीं पाता वो वाला पैकेज, तो मैं कहती हूँ कि चल कोई नहीं गुरुजी की जब तक हुक्म नहीं हो वो कैसे आएंगे ना, तो मैंने कहा दैट्स फाइन। तो क्या होता है संगत जी मेरे यहाँ से अगेन मेरे फैमिली फ्रेंड्स जो हैं वो जाते हैं इंडिया और लास्ट है उनका होता है इंडिया से वापस आने का। तो मैं उनको कॉल कर बोलती हूँ कि मेरा एक पैकेज है तुम ले आओगे, तो कहते हैं कि हाँ मैं ले आऊंगा लेकिन मैं जा नहीं सकता तो मुझे यहाँ तक ड्रॉप करना। तो मैं भाभी को फोन करती हूँ, भाभी कहती है मैं तो दिखती बिजी हूँ तो आप किसी को बोल दो अगर वो यहाँ से पिक कर ले। एंड मैं सैड हो जाती हूँ, मैंने कहा यार गुरुजी आपने लगता है आना ही नहीं है। मैं कहा चलो कोई नहीं, मैं बाय चांस अपनी कजन से बात करती हूँ, कजन कहती है डोंट वरी यहाँ पे यू नो पिक एंड ड्रॉप का चलता है, तो मैं बोलती हूँ और वो पहुंचा देंगे। वो ये करवाती है और स्वरूप जो है जाके अंकल के पास पहुंच जाते हैं जिन्होंने यहाँ आना होता है। अब वो जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे सत्संग सेवा चल रही थी, थर्सडे का ही दिन था, तो वो आते हैं और संगत जी कैन यू बिलीव मैं क्या देखती हूँ, उनके इतना बड़ा रोल उनके हाथ में होता है। एंड आई वॉज लाइक वो मुझे घुसती कहते कहते इतना बड़ा पार्सल बता तो देती। मैंने कहा यार मुझे तो खुद ही नहीं पता, मैंने तो एक स्वरूप बोला था तो, और वो भी मैंने 20x30 का था, वो इतना बड़ा संगत जी रोल। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आई वॉज हैप्पी ऑल्सो, लेकिन मैं कहा पता नहीं इतना बड़ा कैसे आ गया क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं था। जैसे ही संगत जी कैन यू बिलीव मैं अगले दिन सुबह उठती हूँ क्योंकि उस दिन तो शिव पुराण रीडिंग थी, तो मैंने तब तक वो पार्सल वो नहीं किया होता, दरबार में पड़ा होता है वो पार्सल। सुबह मैं उठती हूँ और मैं कहा जाने से पहले एक बार नजर तो मार लूं गुरु जी के स्वरूप पे, आई वॉज सो एक्साइटेड। जैसे ही मैं उसको खोलती हूँ एंड मैं उसमें संगत जी क्या देखती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 स्वरूप। ओह वाओ, एंड आई वाज सो हैप्पी, मैंने कहा वाओ गुरुजी 5 स्वरूप आपने भेज दिए, मैंने कहा लेकिन ये इतने बड़े। और संगत जी कैन यू बिलीव कि वो स्वरूप वो है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना वही स्वरूप देते हैं जो हमें बहुत प्यारे होते हैं, गुरुजी को पता है किसको क्या चाहिए। हम चारों मम्मी का, मेरा, मेरे बेटे का, मेरी बेटी का, जो जो हमारे फेवरेट स्वरूप थे वो वहां पर आते हैं। एंड संगत जी वो इतने बड़े स्वरूप होते हैं, गुरु महाराज नोज उनकी एक्यूरेसी, उनके मेजरमेंट्स, उनका सब कुछ इतना एक्यूरेट होता है। वो संगत जी ऐसे स्वरूप हैं कि उन्होंने इस गुरु आशियाना में अगेन ही डिड स्टैंपिंग, यहाँ की जो दीवार है वो पूरी गुरु महाराज जी के स्वरूप से भर गई है और उन्होंने इसको सच में गुरु आशियाना बना दिया। अब संगत जी क्या होता है, मैं एक्साइटेड होती हूँ, मैं जाती हूँ बहुत बड़ा बहुत खूबसूरत सत्संग, मैं इसको फ्रेम, मैंने कहा गुरु जी का ऐसे तो रखते नहीं है, इसको फ्रेम कराना चाहिए। मैं फ्रेमिंग के लिए जाती हूँ एंड आई गॉट द एस्टिमेट ऑफ $1800, $1200, $1400, और मैं ना गुरु जी को बोल रही गुरु जी कंगाली में आटा क्यों गीला करा रहे हो, वैसे ही कुछ नहीं है। मैंने कहा क्या करूं, मैं कहा मम्मी कोई नहीं देखेंगे अब, क्योंकि ऐसे तो स्वरूप को हम नहीं रख सकते, वो तो साक्षात गुरु महाराज हमारे पास आए हैं। तो मैं संगत जी जाती हूँ और मैं जब उनसे जाके बात कर रही होती हूँ तो मैं उनसे ना सत्संग करने लग जाती हूँ गोरे लोगों से, एंड उनको मैं बताती हूँ और उनको मैं बोलती हूँ कि भाई ये ऐसे ऐसे हैं हमारे महाराज, जैसे जीसस हैं तुम्हारे। और मैंने एक्चुअली गुरु महाराज जी की कृपा से फॉर्मल स्टडीज ऑफ बाइबल भी 2.5 साल किया है, तो काफी कुछ मुझे एक्सप्लेन करने में यू नो इट वॉज लिटिल ईजी फॉर मी कि उनको मैंने कैसे कनेक्ट करके बताया। तो मैं उनको करते करते ना मेरी आंखों में ना आंसू आने शुरू हो जाते हैं और ना मैं उसको बोलती हूँ कि तू प्लीज गुरु जी के ना मतलब ये मेरे लॉर्ड है तो उनको तो ध्यान से रखियो, उनको ऐसे मत वो करियो। तो मैं उसको इंस्ट्रक्शन देकर आती हूँ एंड मैं बड़ी रो रही होती हूँ। तो जब मैं आती हूँ मैं कहती हूँ गुरु जी सच्ची आपने 5 स्वरूप हमारे लिए भेजे। तो बाद में मुझे पता लगता है उसमें से एक स्वरूप जो था वो मेरे फ्रेंड के लिए था।
तो मैं जाके मैं साक्षी आंटी को बोलती हूँ, मैं कहा यार मैंने तो फ्रेमिंग पे दे दिए और वो उनका था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं कहा हाई मैंने उनकी ब्लेसिंग्स रख ली, मुझे टेंशन होने लगी, मैंने उनकी ब्लेसिंग्स रख ली, नहीं नहीं मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, उनके नाम की थी। तो वो मुझे कहती है आप ना इतना क्यों सोचते हो महाराज, अगर महाराज ने वो आपके घर रहनी है ब्लेसिंग, वो आप ही क्या रहेगी, आप कोई नहीं होते किसी की ब्लेसिंग्स लेने वाले, और अगर उनकी होंगी तो उन तक जरूर पहुंचेंगी। मेरे को थोड़ा सा उन्होंने ये समझाया एंड आई वाज लाइक या यू आर राइट आई थिंक। तो संगत जी अब कैसे सत्संग के थ्रू आंसर्स मिलते हैं, तो मैं अपने काम पे होती हूँ और मुझे एक सत्संग सुनाई देता है, मुझे नाम नहीं पता वो किनका था, तो वो आंटी क्या कहती है कि आंटी और अंकल जो है वो जाते हैं, उनको गुरु महाराज एक ब्लेस स्वरूप देते हैं और आंटी उसको फ्रेमिंग कराने के लिए देने जाती है। जब वो फ्रेमिंग कराने के लिए देने जाती है तो वो अपने गुरु जी के बारे में बोलती है और कहती है तो अच्छे से फ्रेम कर दियो। तो जब वो घर आती हैं, जब उन्होंने पिक करने जाना होता है, जिस दिन वो फ्रेम के लिए उनको फोन करती है कि तूने फ्रेम कर दिया गुरु महाराज, तो वो कहते हैं कि आंटी मेरे से ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, गलती हो गई, आपका जो गुरुजी का स्वरूप है ना वो ना जल गया, मैं ऊपर काम कर रहा था और नीचे हीटर चल रहा था, वो कैसे स्वरूप गया और वो ना जल गया। भाई मेरी तो संगत जी, अब मैं कहूँ गुरु जी आपने ये क्या सुना दिया मुझे सत्संग, और मेरी तो सांस ऊपर की ऊपर नीचे नीचे, मैं हाय स्वरूप को कुछ ना हो, मेरे को टेंशन हो गई। तो अचानक से जब वो आगे सत्संग बढ़ता है तो वो सत्संग में क्या आता है जवाब, कहती है कि हम अंकल आंटी परेशान हो गए कि हाय लगता है गुरुजी नाराज है, वो आना नहीं चाहते घर में, वो पहुंच जाते हैं गुरुजी से मिलने के लिए। अब गुरुजी सुबह वॉक करने के लिए जा रहे होते हैं तो वो उनको बोलते हैं, कहते हैं ओए तुम कैसे सुबह सुबह आ गए यहाँ पे, तो वो कहते हैं कि गुरुजी आपने जो स्वरूप दिया था वो तो ऐसे ना वो हो गया, जल गया, तो हम तो बहुत परेशान है। वो तो गुरुजी उनको स्माइल कर कर कहते कहते कोई ना अगली बारी तुम और मिल जाएंगे स्वरूप की चिंता ना करो तुम, तो उनको वो बोलते हैं। तो आंटी क्या बताती हैं कि जब हम अगले बार जब हम किसी सत्संग में जाते हैं तो वहां पे सत्संग खत्म होता है, वहां स्वरूप बढ़ रहे होते हैं। अंकल आंटी जब कार्ट में आते हैं और वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि देख मेरे को भी स्वरूप मिला और आंटी को भी स्वरूप मिला होता है दोनों को। तो वो जब काउंट करते हैं तो उनको उस एक स्वरूप के बदले 5 स्वरूप मिलते हैं। एंड आई वॉज लाइक वाओ गुरु जी, अच्छा वो 5 स्वरूप आपने हमें मुझे ही प्लेस करे हैं। एंड आई वॉज लाइक संगत जी विद गुरु जी ना, जब आप फील करते हो ना उनको पल पल और वो आपके जवाब देते हैं, इट्स लाइक कहते ना एनीथिंग, आप उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। एंड मेरे फिर आंखों में आंसू काम थे और मैं खुशी के मारे मेरे आंसू आ रहे थे कि गुरुजी ने वो ब्लेस किया और इस गुरु आशियाना को बनाया। अब संगत जी क्या होता है कि मेरी मॉम को निमोनिया हो जाता है और निमोनिया में कैसे एक और उन्होंने मुझे दिखाया, निमोनिया होता है एंड आई वॉज लाइक मम्मी मुझे कहती है कि दीप्ति तू कौन सा सत्संग कह रही थी सुनने को, मैं कहा शालिनी आंटी का, तो कहती है अच्छा लिंक भेज, मैं उनको शालिनी खेड़ा आंटी का लिंक भेजती हूँ और मम्मी मुझे ना थोड़े टाइम के बाद अंदर से आवाज देती है, कहती तू क्या कह रही थी कि इस घर के लिए जो तुझे बार बार हो रहा था, कहती है कि हम क्या कह रहे थे ये घर का नंबर कितना आता है, तो मैंने कहा कि 4 आता है क्योंकि जब हम इस घर में आ रहे थे तो हमने ऐसे ही जैसे देखा तो 4 नंबर था, तो वी वर हैप्पी कि चल गुरु जी का नंबर है। तो मेरी मम्मी कहती है कि लेकिन 4 नंबर बना कैसे था, तो संगत जी जब हमारे घर का ग्रैंड टोटल होता है तो उसमें 13 आता है और उसका उससे 4 बना था। तो मम्मी कहती है तुझे पता है शालिनी आंटी ने क्या बताया कि बड़े मंदिर का एड्रेस जो है ना वो 13 है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, कैसे हमारे डाउट्स होते हैं, हमें कहीं नहीं भटकना पड़ता, गुरु महाराज अपने सत्संग से हमें पल पल वो बख्शते हैं और हमें कहते हैं ना कि हमें सारे इफ्स एंड बट से बाहर निकालते हैं। सो मैं संगत जी आज शायद इतनी ही आज्ञा है और बहुत छोटी छोटी और ब्लेसिंग्स है किस तरीके से गुरु जी एक 2 सच्ची में त्रिशूल वाले सत्संग करना भूल गई। अंकल क्या मैं 10 मिनट और ले सकती हूँ? नहीं सॉरी आंटी, आज अभी ऑलरेडी टाइम हो गया, सो नेक्स्ट टाइम के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सो शुक्राना मेरे मालिक का, आज फिर 2 साल पहले की तरह मुझे फिर इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने का, अपने कहते ना ब्लेसिंग्स को शेयर करने का, एंड अगेन अगेन आई एम सो सॉरी अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो। और जाने से पहले मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि हम जो है ना इंसान जब हम जन्म लेते हैं तो हम कहते हैं एक शब्द है
खाना पीना हंसना रोना विसर गया है मरना। बस गुरु जी से यही है कि हम लोग जब सृष्टि में आते हैं सिर्फ खाते हैं पीते हैं सोते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमने एक दिन मरना है और हमारी सोल ने जाके उस परम पिता परमात्मा से मिलना है। जिस दिन हम ये चीज याद रखते हैं उस दिन गुरु जी हमें बख्शते हैं कि हम एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें और उनकी मेहर उनकी नजर हम पर हमेशा बनी रहे और हमें वो ब्लेसिंग्स देते रहे। शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू सो मच संगत जी।